अस्सलाम असलकम रहमतुल्लाहि व वरकू वेलकम टू माय वेब डेवलपमेंट सेशन दिस इज़ अ वीकली सेशन एंड दिस सेशन इज मेनली इन उर्दू और हिंदी लैंग्वेज बट यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज सो आई विल कंटिन्यू फर्दर सेशन इन उर्दू और हिंदी लैंग्वेज थैंक यू व बरकातहू जनाब सबसे पहले तो माजरत मैं चंद जो पिछले सेशंस हैं वो नहीं रिकॉर्ड कर सका हूँ कुछ मसरूफ़ीत की वजह से और फिर कुछ अपनी सुस्ती की वजह से और फिर ये है कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ साथ में ताकि आपको अंदाज़ा हो जो भी मैं साथ एक्टिविटी कर रहा हूँ तो इसमें हमारा जो सेशन ये है इसका मरकजी ख्याल यही है कि इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स किए जाएं और उसकी वजह से फिर ये है कि लोगों को मन ये होता है कि स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट और किसी भी वजह से रुकावट आती है इंस्टॉलेशन वो नहीं कर सकते अपने पास विंडोज़ के ऊपर उसके सर्वर की वेब सर्वर नहीं बना सकते तो आपका रुक जाता है सेटअप तो अगर आप बर मेहरबानी अपना माइक बंद रखें और अगर सवाल है तो फिर आप मैं बताता हूँ आप सवाल फिर पूछ लें तो उसमें इसलिए फिर मैंने क्योंकि ट्यूटोरियल्स मैंने देखे हैं नेट के ऊपर काफ़ी पड़े हुए हैं डेवलपमेंट के हवाले से और जो उसमें एक चीज़ जो मैंने महसूस की है कि वो कमी है वो यही आपकी क्वेश्चन आंसर सेशन की कमी है तो इसलिए मैंने ये शुरू किया है तो हमारा ये मरकज़ी यही ख्याल है कि क्वेश्चन आंसर्स किए जाएं और अगर क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते तो फिर हम ये करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ एक टटोरियल ये फॉलो कर रहे हैं वो मेरे पास इधर लिस्ट में डिटेल्स लिखी हुई हैं तो वो फिर हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं तो मुझे पहले तो ये कंफर्म कर दें कि स्क्रीन आपको नज़र आ रही है अगर कोई अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो कोई एक बंदा मुझे ये कंफर्म कर दे कि स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही जी मेरी आवाज़ अगर आ, अच्छा अभी आ रही है स्क्रीन नज़र कंफर्म कर दें रिजवान साहब अच्छा सही जबरदस्त तो अच्छा सही सर आ रही है जबरदस्त जबरदस्त हो गया और आवाज भी क्लियर आ रही है आवाज भी वाजे वाजे तौर पे आ रही है जी सर क्लियर आ रही है अच्छा ठीक है जबरदस्त तो सबसे पहले तो फिर मैं ये जी ठीक हो गया जबरदस्त हो गया तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि अगर आप आप में से किसी के जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि यही यह हमारा इस सेशन का मरकजी ख्याल है अगर सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं वरना फिर दूसरी सूरत यह है कि मैं नॉर्मल जो सेशन जिस तरह अपना ये कंटिन्यू करता हूँ वैसे ही मैं शुरू कर दूंगा तो इसमें मैं वैसे ये इसमें डब्ल्यू थ्री स्कूल से एक ये ट्यूटोरियल फॉलो कर रहा था ये लास्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग है उसकी डिटेल्स हैं इसको मैं अभी ख़त्म करता हूँ और नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा तो लास्ट टाइम हमने ये यूट्यूब वीडियो एच टी एम एल का ये हमने फॉलो किया था ट्यूटोरियल तो अगर तो अगर तो सवाल है तो अच्छा इसमें हमारा जो मेन मकसद है सेशन का वो वेब डेवलपमेंट है तो उसमें तो जहरी बात है फिर आपको एच टी एम एल सी एस एस स्क्रिप्ट और कोई एक सर्वर लैंग्वेज कवर करेंगे तो इसमें जो सर्वर लैंग्वेज है उसमें मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो पी एच पी में है तो मैं फिर इसी को फिर तरजीह देता हूँ इसके अलावा और सर्वर लैंग्वेज भी हैं तो अभी तो हम अभी तक कवर जो कर रहे हैं वो एच टी एम एल स्टार्ट की हुई थी और एच टी एम एल भी तकरीबन आप समझ लें कि ये हम ऑलमोस्ट ये चैप्टर्स हम कवर करते हुए आ रहे हैं इसके और पीछे ये चंद महीनों से ये हमारे रिकॉर्डिंग आप पुरानी देख सकते हैं तो अभी हम इसमें ये ए पी जो है यहाँ से शुरू करेंगे लेकिन अगर ये आप, आपका कोई सवाल है तो सवाल है तो उसका फिर पहला नंबर उसी क्या है कि अगर आपके सवाल सवाल पूछते हैं सवाल जवाब यही इस सेशन का मरकजी बात यही है अगर सवाल है तो आप पूछें वरना यह है कि मैं फिर इसी को जो एक ये फॉलो कर रहा हूँ उसी को फिर मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा तो मैं फिर यही समझता हूँ कि अभी कोई सवाल नहीं है और ये कंटिन्यू करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग तो शायद फिर ये आपके वैसे बीच में भी किसी वक्त सवाल आपके जेहन में आ जाए तो आप पूछ सकते हैं जी ए पी आई जो है ये तो एप्रीवेशन uh, है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस तो इसका जो मेन uh, मरकज़ी जो चीज़ होती है वो इस मकसद के लिए होती है कि कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम और लोगों को वो पब्लिक भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है उनके लिए वो कुछ इंटरफेस अपने सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन के लिए देते हैं तो वो आपकी ए होती हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हुए उनके सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेन इसमें ए का यही मकसद होता है तो जैसे यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि जियो लोकेशन की ये ए है ये ब्राउज़र की और इसके ज़रिए हम जो आपकी करंट लोकेशन है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो इसको हम शुरू करते हैं तो इसमें यही है कि हम इसको यहाँ पे W3 स्कूल में ये ट्यूटोरियल जो है HTML का इसको फॉलो कर रहे हैं और ये तकरीबन अपने ये अब चंद चैप्टर्स ही इसके रह गए हैं तो ताला फिर इसको हम कवर करेंगे जी इसमें ये दोनों चीजें हो सकती हैं पहले से अब जिस तरह यहां पे हम अभी इस्तेमाल करेंगे तो ये जो एच टी एच है इसकी ये ए है और ये बिल्ड इन है, है इसमें ब्राउजर के अंदर ही और वैसे ये है कि आप अपना कोई आपका सिस्टम है तो वहां पे भी आप खुद से भी बिल्ड कर सकते हैं पीएचपी के अंदर भी आप क्योंकि ये सर्वर बेस्ड होती हैं आपने अपने सर्वर पे अलाउ करते हैं एक्सेस तो पीएचपी में भी कर सकते हैं और दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं जिसमें आप ये अलाउ कर सकते हैं तो इसको हम वन बाय वन इसको थ्रू करते हैं चैप्टर को तो इसका मेन जियो लोकेशन का जो यूज़र की जो पोजीशन है लोकेशन है एड्रेस जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है अब जैसे कि यहाँ पे मैं ट्राई पे क्लिक करता हूँ तो इसमें ये मुझसे पूछेगा क्योंकि अगर किसी भी वेबसाइट को ओपनली दे दी जाए एक्सेस तो लोग इसका मिस कर सकते हैं तो सिक्योरिटी की वजह से पहले आप जब एक्सेस के लिए क्लिक करते हैं माइक अगर बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर है अगर माइक अगर काइंडली बंद कर दें सवाल है तो आप जरूर फिर सवाल पता करें अदरवाइज अगर आ, शानी भाई आपका माइक शायद म्यूट नहीं है या किसी एक का म्यूट नहीं है अगर आप काइंडली या मैं खुद यहां से मैं देखता हूँ म्यूट मैं कर सकता हूँ शायद अच्छा ये थोड़ी देर के लिए फिर म्यूट हो जाएगा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो फिर आप इसको अनम्यूट भी कर सकते हैं तो जैसे इसको भी मैं अलाउ कर रहा हूँ एक्सेस तो यहाँ पे अब मेरी जो पॉसिबल इसको मिल सकती है एक्सेस वो बता देगा तो इसको हम देखते हैं कि फिर ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन ये देखने में बड़े काम की लग रही है कि किस तरह आपकी साइट के ऊपर आप लोकेशन बेस्ड आप कोई सर्विस वेब एप्लीकेशन को आप इस तरह की बना सकते हैं जिसमें आप लोकेशन बेस्ड चीजें दे सकें तो इसके पहले ये देखते हैं कि ये सपोर्ट इसकी कौन सी है सपोर्ट हम देख रहे हैं कि तकरीबन ये सारे के सारे ब्राउजर में सपोर्ट है और आजकल तकरीबन लोग लेटेस्ट ही ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो सपोर्ट का मसला नहीं है सपोर्ट का मसला नहीं है और फिर हम इसको देखते हैं ये मेनली आप देखें कि जावा में है तो यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है जाहिद साहब ने तो थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेट दोबारा रिपीट करता हूँ अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप फ़ौर सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि ये सेशन हमारा जो शुरू किया है हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसका मरकज़ी यही ख्याल है कि क्वेश्चन आंसर्स अगर आपके पास कोई सवाल है किसी जगह पे आप स्टक हैं डेवलपमेंट के हवाले से या बिल्कुल शुरू आप कर रहे हैं और आपको नहीं पता लग रहा तो आप सवाल पूछे तो कोशिश होगी कि आपको जवाब दिया जाए <स्थाथ> बाकी फिर यह है कि अगर आप कोई सवालात नहीं करते तो फिर यह है कि मैं आगे नेक्स्ट जो यहाँ पे एक ट्यूटोरियल फॉलो कर रहा हूं मैं उसी को फिर जारी रखूंगा तो उसमें हम ये एच टी एम एल के हवाले से ये एक टूटोियल हम शुरू से कर रहे थे आलमोस्ट ये अब आखिरी मराइल में है अगर आपने ये पुराने सारे इसमें लेक्चर्स देखने हैं तो यूट्यूब चैनल पर हमारी ये प्ले लिस्ट है एक ये वेब फ्री वेब डेवलपमेंट की उसको आप देखेंगे ये सारे फॉलो कर सकते हैं और जहाँ पर आपको कोई इशू हो तो आप वहाँ पर हमें सेशन में इसमें आप सवाल पूछ के हमें पूछ सकते हैं और इन शाला तला जवाब देने की कोशिश होगी तो इसमें अभी हम ये जियो लोकेशन के हवाले से शुरू किया हुआ है हमने तो इसकी सपोर्ट का हमने पहले तो ये देखा है कि सपोर्ट का कोई इसमें इशू नहीं है तो डब्ल्यू थ्री स्कूल में अच्छी एक बात यह है कि ये एग्जाम्पल्स साथ देते हैं और इसमें आप लाइव हम उसी वक़्त इसको चेक कर सकते हैं तो पहले तो मैं ये कमेंट सेक्शन में आपको साथ शेयर कर देता हूँ अगर आप कोई यही पेज खोलना चाहें तो ये कमेंट्स में आप देख सकते हैं इसको साथ साथ फॉलो कर सकते हैं तो जैसे अब यहाँ पे ये यह एग्जाम्पल है इस पर इसको फिर हम एक दफा रन करके देखते हैं तो यहाँ पे ये यह लेटीच्यूड और लॉन्गिट्यूड की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है तो इसको अभी हम जो एग्जाम्पल है इसको हम फॉलो करते हैं तो अगर तो आपको ये एच का बिल्कुल आपको नहीं पता है तो फिर फिर आपको ये है कि पिछले लेक्चर्स आप देखें आपको समझ आ जाएगी इन शाला अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती आप दोबारा पता कर सकते हैं बहरहल मैं इसको फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे तो फिर उसमें यही है कि मैं फिर आगे नेक्स्ट ये इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहा हूँ या तो ये कि आप सवाल पूछें तो मैं यहीं पे रुक जाऊँगा सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये एच टी एम एल स्टार्ट का टैग है और ये क्लोजिंग टैग है और बाकी टैग इसके अंदर हैं और ये फिर बॉडी में आके एक जो ये चीज़ लिखी हुई है ये हमें यहीं पे राइट right साइड पे नज़र आ रही है डेमानस्ट्रेशन इसकी इसका अच्छा ये है कि कोड लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पर डेमॉन्स्ट्रेशन नज़र आ रही है और दूसरी चीज़ ये बटन बना हुआ है और इसके ऊपर ये ट्राई इट लिखा हुआ है और शुरू में ये नीचे वाली चीज़ नहीं आ रही होती लेकिन जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये नीचे वाली चीज़ लिखी हुई आ जाती है लेटीच्यूड और लॉन्गी तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक बेसिकली ये इवेंट है तो इस इवेंट पे गेट लोकेशन फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं और ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो इसमें हम देखें एक हमने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया हुआ है और ये इसमें डाटा कुछ भी नहीं लिखा हुआ लेकिन इसको हमने आईडी दी है डेमो और आईडी हमने इसलिए दी है कि इसको हमने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करके इसको वैल्यू फिर देनी है और इसमें हम देखें कि यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये यह स्क्रिप्ट का टैग खत्म हो रहा है तो ये बेसिकली ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसमें हम देखें कि जो ये गेट लोकेशन के नाम से फंक्शन है ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो और इसमें देखें स्क्रिप्ट स्टार्ट होता है तो ये वैल्यू इसमें डायरेक्ट इसमें आ जाती है एक्स वेरिएबल के अंदर जो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है ये वाला जो टैग है ये हमारा कोड के अंदर हमारे पास एक्सेसिबल हो जाता है एक्स के अंदर तो ये इसका हमने जब जब भी कोई एलिमेंट टैग इसमें एक्सेस करना तो एलिमेंट को तो ये हम डॉक्यूमेंट ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ही हमारे पास फंक्शन है गेट एलिमेंट बाई आई डी और आई डी में हमने जो भी आईडिया है वो दे दी है तो फिर हम इसके ऊपर और ऑपरेशन जवा स्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं वो हम देखते हैं कैसे करते हैं तो ये फंक्शन का कोड है तो जो फंक्शन का कोड है ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक इसको कॉल ना किया जाए तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने ऑन क्लिक के ऊपर इस इवेंट को कॉल किया हुआ है ऑन क्लिक के इवेंट में ये फंक्शन कॉल किया हुआ है और जो चीज़ आपके फंक्शन से बाहर होती है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाती है उसी वक्त ही यानी जब ये प्रोसेस करते हुए हमारा ये ब्राउज़र इस एच को प्रोसेस करते करते यहाँ तक आया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसके अंदर वैल्यूज़ की स्टोर हो गई है और ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ ये कॉल उस वक़्त होगा जब हम यहाँ पे जब हमने क्लिक किया है तब ये कॉल हुआ है और इसी तरह ये भी सेकंड फंक्शन है ये भी डायरेक्टली कॉल नहीं हुआ होगा और इसको हम देखते हैं कोड में ये किस जगह पे कॉल हुआ है और स्क्रिप्ट क्लोज हो गया है तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है तो ये एक नेविगेटर का ऑब्जेक्ट है मेन जिस तरह ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमने ये डॉक्यूमेंट का देखा है इस तरह नेविगेटर का है तो पहले तो हम ये इफ़ के अंदर चेक कर रहे हैं कि हमारा ब्राउज़र जियो लोकेशन को सपोर्ट करता भी है या नहीं तो उसका आसान तरीका ये है कि जो भी आप फंक्शनैलिटी चेक करना चाहते हैं यहाँ पे आप उसको लिख दें तो इसका मतलब यह है कि ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो नीचे ये ब्लॉक जो है यहां से इस ब्रैकेट से लेके यहां तक ये ब्लॉक जो है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो जैसे कि हमारा ब्राउजर लेटेस्ट ब्राउजर है क्रोम ये क्रोमियम uh, ब्राउजर है और ये इसको सपोर्ट करता है तो इस वजह से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और अगर किसी वजह से हमारा ब्राउजर पुराना है जिस तरह यहाँ पे हमने देखा है कि ये यहाँ पे बताई गई है सपोर्ट के बारे में कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट करते हैं तो इससे पुराना है तो फिर ये एल्स वाला पार्ट चलेगा यानी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा और पहले हम इसको देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है एल्स में देखिए ये हमारा एक्स ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया है ये वेरिएबल बनाया है और इसमें ये हमारे एलिमेंट इसके अंदर स्टोर है तो इसको हम फिर एक्सेस कर सकते हैं तो उसका जब भी टेक्स्ट चेंज करना हो ना तो ये हमारे पास इनर एच डी एम एल के एक फंक्शन इसमें वेरिएबल है इसको हम बल्कि अभी डायरेक्ट इसको चेंज करके देखते हैं जैसे हम यहाँ पे खुद से अभी ये कुछ चेंज करते हैं डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए और मैं वैसे इसमें लिख देता हूँ फ्री वेब डेवलपमेंट और क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर हमने लाइन नहीं लिखी है तो इसका मतलब यह है कि ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी जब यहाँ तक ये इसको प्रोसेस करते करते यहाँ तक पहुँचेगा तो ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये जो फंक्शंस हैं ये वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक के इनको कॉल ना किया जाए तो ये देखते हैं अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पर इस जगह पर आ जाना चाहिए तो ये अगर हमने टैक्स लिखना सिर्फ मकसद होता तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ पे भी लिख सकते थे वहां पे हमें लिखने की जरूरत नहीं थी तो जैसे अब मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ जावास्क्रिप्ट में अगर आप ये लाइन के शुरू में डबल स्लेशज डाल दें तो वो लाइन कमेंट हो जाती है तो इससे ये होता है कि ये फिर लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती तो अभी खैर मैं इसको पहले ख़त्म करता हूँ तो अभी तो ये वैसे ही एम आएगा और अगर ये टैक्स में लिख दूंगा टैक्स आ जाएगा तो यहाँ पर ये मैं ये ये चीज़ बताना चाह रहा था कि हमारा मकसद अगर टैक्स लिखना होता तो हम इस टैग के अंदर लिख सकते थे लेकिन चीज़ें हमें प्रोग्रामिंग के ज़रिए करनी होती हैं यानी अब इस पेज के ऊपर हमारे पास जो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है वो जावा स्क्रिप्ट है जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो कोड में आपने जब इस चीज़ को एक्सेस करना है तो वो आप ऐसे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बट आई डी इसकी आई डी लेंगे अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है इस एलिमेंट के लिए <coughs> तो इस ऑब्जेक्ट में इनर एच टी एम एल एक वेरिएबल है इसमें हम जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो उसका डाटा जो यहाँ पे लिखते हैं हम जो भी चीज़ यहाँ पे लिखते हैं वो उसके तौर पे आ जाएगा तो अभी मैं खैर इसको ख़त्म करता हूँ क्योंकि हमारा ये मकसद ये इसमें वैल्यू यहां पे स्टोर करना नहीं था ये सिर्फ बताना था कि जब आपका ब्राउजर जियो लोकेशन को सपोर्ट नहीं करता है तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के दरमियान जो भी चीज है तो उसमें ये एक ही लाइन है तो इसके इनर एच डी एम एल में ये लिखा हुआ आ जाएगा जियो लोकेशन इज ना सपोर्टेड बाई योर ब्राउजर इस लाइन को अगर वैसे मैं अगर डायरेक्ट लिख दूँ तो यही टेक्स्ट वहां पर लिखा हुआ आएगा जब वो सपोर्ट नहीं करता होगा तो यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा और इस बटन पर क्लिक करेंगे हम तब लेकिन क्योंकि अभी ये वाली हाल नहीं है तो अभी मैं इस लाइन को ख़त्म कर देता हूँ और इसको नॉर्मल जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ तो जब ये इसको सपोर्ट करता है तो ये हमारे पास इसमें एक फंक्शन है जियो लोकेशन के अंदर ही गेट करंट पोजीशन, यानी लॉन्गी और लैटीट्यूड लेने के लिए और यहाँ पर हम इस फंक्शन को एज़ ए पैरामीटर इसमें दे रहे हैं इसको मतलब कॉल बैक फंक्शन आप समझ लें क्योंकि ये फिर इसको कॉल करेगा जब ये वैल्यूज ले लेगा तो तो ये फंक्शन कॉल होगा शो पोजीशन वाला और यहाँ पे पोजीशन के ऑब्जेक्ट के अंदर कोऑर्डिनेट्स आपके आए हुए होंगे तो फिर देखिए हमने यही एक्स स्टार्ट इनर एच एम एल वाला फंक्शन इसमें वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं वैल्यू लैटी और ये बस हमारा जो पैरामीटर आया है जो कि इस फंक्शन ने इसको कॉल किया है तो इसमें ये कोऑर्डिनेट्स में लेटीच्यूड और ये दोनों चीज़ें हमने वहाँ पर डाल दी हैं और यहाँ पे आप देखिए ये बी आर लिखा है इसका मकसद ये है कि ये नेक्स्ट लाइन पे आए अगर हम नहीं चाहते सिर्फ हमें सिर्फ ये वैल्यूज़ यहाँ पर चाहिए थी कामे के साथ क्योंकि नॉर्मली ये ऐसे ही लिखा जाता है लेटीच्यूड और लॉन्गी तो फिर हम ये कर सकते थे इसको मैं ये चीज़ हटा देता हूँ सिर्फ वो पोजीशंस आ जाएंगी और ये बी आर का टैग भी हटा देता हूँ और जिस तरह मैं कह रहा हूँ कामे के साथ तो इसको मैं रन करता हूँ दोबारा ट्राई करता हूँ तो ये हमारे पास कामे के साथ ये वैल्यूज़ आ गए हैं पहले इस फाइल को दोबारा मैं लोड करता हूँ और इसका आसान सा तरीका ये है कि ऊपर यू आर एल में आप क्लिक करें और एंटर दबाएँ तो ये ओरिजिनल जो कोड है वो इसमें आ जाएगा तो इसको दोबारा हम रन करते हैं और ये वैल्यूज़ ऐसे कर सकते हैं तो थोड़े से मैंने आपको डेमॉन्स्ट्रेशन दे दिए आप अपने हिसाब से इसमें फिर और चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे फिर आगे हम देखते हैं इसमें पूरा ये ऑब्जेक्ट है और इसमें और भी वैल्यूज़ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स या और यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं वैल्यूज़ को आगे चलते हैं तो एक्सप्लेनेशन तो तकरीबन मैं मैंने कर दिया लेकिन फिर भी इसको गो थ्रू कर देते हैं हो सकता है कुछ चीज़ मिस होगी हो पहले सपोर्ट को चेक किया है तो फिर फिर हमने ये गेट करंट पोजीशन इसका मेथड है वो कॉल किया है और जब सपोर्ट नहीं है तो फिर वो मैसेज शो कर दिया यूज़र को जो सपोर्ट नहीं करता और गेट करंट पोजीशन में सक्सेसफुली कॉल होगा तो ये शो पोजीशन को कॉल करेगा असल में ये एपीआई है और ये ब्राउजर की बिल्ड इन एपीआई है और जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो आपके ब्राउजर को इंटरनेट के जरिए जो भी उसको लोकेशन आपकी फाइंड मिलती है कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो उसको शो कर देता है तो जो जो बंदा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है जिसने इस पेज को खोला हुआ होगा उसकी जो लोकेशन है ये उसके कोऑर्डिनेट्स भेजता है अब ये जो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे है ये उसके कोऑर्डिनेट्स ये शो कर रहा है ऊपर हमने देखा था यहां पे जब मैंने इसको रन किया था इस पर ट्राई एट पर क्लिक किया था तो ये गूगल मैप पे ये कोऑर्डिनेट्स पे एग्जैक्ट उन्होंने मेरे घर की लोकेशन पिक कर दिया था तो इसको गूगल मैप में उन्होंने किस तरह ओपन किया था क्योंकि यहां पे उन्होंने यही चीज पास की होगी लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड हो सकता है और चीजें भी पास की ये आगे मेरे ख्याल है एग्जाम्पल में इस चीज को कवर करेंगे तो फिर मैं उस वक्त ये चीज आपको बताता हूँ कि ये कैसे एक्सेस कर रहे हैं तो इसमें आगे चल के देखते हैं <coughs> और उसमें ये पैरामीटर अहम चीज़ ये है कि ये जो पैरामीटर आपके पास यहाँ पे आ रहा है ना पैरामीटर और ये आपका ये वाला जो फ़ंक्शन है ये इसको कॉल करता है और इसको ये पोजीशन का पैरामीटर देता है और ये पोजीशन के अंदर ही कोऑर्डिनेट्स हैं बहरहाल इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अच्छा अगर एरर्स कोई आ जाते हैं किसी वजह से उसको हैंडल करने के लिए ये हम दूसरी एग्ज़ैम्पल चलाते हैं मिसाल के तौर पे ये अभी तो खैर कोई इश्यू नहीं आया क्योंकि हमने इसको एक्सेस लास्ट टाइम हमने इसको एक्सेस अलाउ कर दी थी और चले इसको हम फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं गो थ्रू करते हैं बाकी चीज़ें मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सेम है ट्राई इट और ये भी डेमो पैराग्राफ का जो आईडी है वो डेमो है ये स्क्रिप्ट के अंदर चेंज हमें नज़र आ रही है और इसमें भी हम देखते हैं कि ये गेट लोकेशन वाला ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है स्वाइस इसके कि यहाँ पे शो पोजीशन का फंक्शन इसके पैरामीटर में दिया वैल्यू और दूसरी चीज़ हमने दी है शो एरर और ये हम देख सकते हैं कि शो पोजीशन तो ये हम देख सकते हैं कि शो पोजीशन तो वैसे ही कॉल हो रहा है जैसे पहले कॉल हो रहा था और यहाँ पे जो फर्क है ये वैसे ही है फर्क जो है वो शो एरर का है और ये भी फंक्शन की कॉल बैक दी है इन्होंने ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा अगर कोई इसमें इशू आता है तो उसमें हम देख सकते हैं कि अब इसमें क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं एरर कोड ये हम जावा स्क्रिप्ट जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पूरे इसमें इफ़ लिखे हुए हैं स्विच लिखे हुए हैं ये चीज़ें हम इन शाह तला जब ये एच टी एम एल क्लियर हो जाती है सी एस एस हम कर लेते हैं स्टाइल शीट्स और फिर जावा स्क्रिप्ट में आएंगे तो ये चीज़ें सही क्लियर तब होंगी कि ये स्विच, स्विच स्टेटमेंट किस तरह काम कर रही है और ये इफ़ किस तरह कर रहा है लेकिन अभी तो हम सिर्फ इसको यहाँ पर गो थ्रू कर रहे हैं कि ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे ये वर्किंग कैसे हो रही है और हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कैसे चेंज कर सकते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे अब ये एरर कोड एक ये है एरर डॉट परमिशन डिनाइड यानी जियो लोकेशन के लिए रिक्वेस्ट आई है लेकिन हमने उसको डिनाई कर दिया है और दूसरी क्या है ये पोजिशन अन अवेलेबल और मे भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का कोई इशू है ब्राउज़र ने जब क्यूरी की है लोकेशन लेने के लिए किसी वजह से ये नहीं आया तो ये एरर आ सकता है दूसरा ये है कि वो ट्राई किया है और टाइम आउट हो गया है तो उसमें फिर ये एरर आएगा और कोई अननोन एरर भी हो सकता है तो इस एरर को मेरा ख्याल है यहाँ पे हम अभी भी इसको हम जनरेट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे देखिए एक एरो आ रहा है दिस साइड कैन एक्सेस योर लोकेशन इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं अभी कर देता हूँ ब्लॉक पे डन किया और इसको मैं दोबारा से लोड करता हूँ और अब मैं ट्राई पे क्लिक करूँगा तो अब ये चीज़ हमने रिपीट कर दिया देखें यूजर डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर जियो लोकेशन तो इसमें अब थोड़ी देर पहले ये इस एग्जांपल को सारा ये एक्सप्लेन कर कर चुके हैं ये एग्जांपल ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती है सिवाय इसके कि यहाँ पे शो पोजीशन के साथ हमने शो एरर का ऑब्जेक्ट दिया है तो जब ये ये चीज़ प्रोसेस करता है उस वक्त अगर तो ये सही तरह ये वैल्यूज़ आ जाती हैं तो फिर शो पोजीशन वाला फंक्शन कॉल होता है जो कि ये वाला फंक्शन है तो ये फिर एक्स के अंदर यानी कि ये जो यहाँ पे डेमो के नाम से मैंने पैराग्राफ बनाया हुआ है उसमें वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ दे देता है और दूसरी सूरत ये है कि ये वैल्यूज़ नहीं ले सका किसी भी वजह से तो फिर ये शो एरर वाला फंक्शन कॉल होता है ये वाला और इसमें देखिए एरर के नाम से ये पैरामीटर है और एरर के अंदर फिर आगे कोड है ये स्विच स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह इनशाला जब हमें मौका मिला पढ़ने का तो उसमें फिर एरर की वैल्यूज़ हैं डिफरेंट जैसे परमिशन डिनाइड किया एक जे वाली है और शायद इसको भी हम कर सकें कि अगर मसलन यहाँ पे हम क्लिक करें और साथ ही इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें तो शायद ये वाला एरर जनरेट होगा या ये सेकंड इन दोनों में से कोई एक एरर मेरे ख्याल है ट्रिगर होना चाहिए और ये वाला तो मेरे ख़्याल है उस वक़्त जिन ट्रिगर होगा कि ब्राउज़र का अपना कोई इंटरनल एरर आ जाए जो कि इनको खुद भी अभी ट्रैक आउट नहीं कर सके हैं नॉन एरर नहीं है तो फिर ये एरर शायद होगा मतलब इनकी इनके बारे में मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता है कि इसको हम कैसे ट्रिगर कर सकते हैं ये चीज़ तो हम ट्रिगर कर सकते थे और हमने इसको किया है तो चलिए यहाँ पे अब देखें ये क्रॉस आ रहा है इसको क्रॉस को ख़त्म करके मैं ऑलवेज कर देता हूँ अलाउ कर देता हूँ अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कॉर्डिनेट्स आ गए हैं यानी कि जब यहाँ पे इसने एक्सेस करने की कोशिश की है गेट करंट पोजीशन जियो लोकेशन ऑब्जेक्ट ने तो मिल गया तो फिर उन्होंने शो पोजीशन वाले फंक्शन को कॉल किया है और पोजीशन के अंदर अपने कोऑर्डिनेट्स जो भी चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट भेजा है तो उसको हमने यहाँ पे एक्सेस कर दिया है तो बहरल इसमें हम थोड़ा सा मोडिफिकेशन करते हैं कोड के अंदर कि ये ये सारा डिपेंड करता है हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं जैसे अगर हम ये इस इस जो पैराग्राफ है यहाँ पे हम ये शो करना ही नहीं चाहते हम चाहते हैं कि ये अलर्ट करे अलर्ट बॉक्स के अंदर हमें शो करे कि आपकी पोजीशन ये है तो सबसे पहले तो ये है कि मैं ये इसको कमेंट कर देता हूँ इन दोनों लाइंस को ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो तो अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं अलर्ट का फंक्शन है इसको टाइप करता हूँ और यहाँ पर ये पोजिशन कोऑर्डिनेट्स लेटिच्यूट मतलब अगर आपने सिर्फ चाहिए था तो अब देखें हम इसको रन करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये अलर्ट बॉक्स में हमें उसके वैल्यू शो कर देगा और हमें साथ में दूसरी की भी चाहिए और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और लॉन्गीट ये यूज़र जो एंड यूज़र है ये उसकी लोकेशन को बता रहा है तो यहाँ पे ये इसको बताने का मकसद ये है कि आप आपकी अगर आप कोई वेब ऐप बना रहे हैं जो कि लोकेशन बेस्ड है तो आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं लोकेशन बेस्ड अगर आपकी ऐप है तो अभी बाकी देखें बाकी आप ऐप्स हम मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि क्रीम है ये भी लोकेशन बेस्ड है तो मोबाइल ऐप तो जहरी बात है उसकी डेवलपमेंट और तरह से होती है लेकिन अगर आपकी वेब ऐप में ये आप चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को जियो लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए आप प्रोसेस कर सकते हैं और और इसको दोबारा से रन करता हूं मैं पहली दफ़ा उसने लेटीच्यूड को शो किया और दूसरी दफ़ा लॉन्गिट्यूड को तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई करने का मकसद ये था कि हमारी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है हम उस तरह काम करते हैं और अब जैसे यहाँ पे हमारी जो डेमॉन्स्ट्रेशन थी उसमें पैराग्राफ में ये डाटा शो कर रहा था लेकिन हम इसको चेंज करके अलर्ट बॉक्स में ले आए हैं तो एन मुमकिन है कि ये ऐसे भी होता है कि ये जो आपके लॉन्गीटीच्यूड हैं ये ड्रॉप डाउन में शो हो रहे थे यहाँ पे ड्रॉप डाउन साथ होता तो मतलब ये चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपको समझ आ रही हो कि इसकी वर्क फ्लो क्या हो क्या रहा है यहाँ पर तो अभी आपको क्योंकि जवाब नहीं पड़ी हुई हमने यहाँ पे कोर्स इसका नहीं किया हुआ शुरू लेकिन आगे हम जाके इंशाल्लाह करेंगे तो फिर ये एग्जाम्पल जो है ये ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएंगी तो अभी हम फिर आगे चलते हैं कि मैप के ऊपर किस तरह ये शो कर सकते हैं तो गूगल मैप के ऊपर थोड़ा सा इसको कोड को देखते हैं बाकी देखें कोड बाकी यहाँ पे पूरा कोड शो नहीं किया यहाँ पे जो शो पोजीशन वाला है यहाँ पे जब गेट लोकेशन उसके एक फंक्शन इसको कॉल बैक करता है तो इसको हम किस तरह पास कर सकते हैं जैसे दोनों आपके जो लेटीच्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया हमने और ये गूगल मैप का एपीआई है और ज़ूम लेवल साइज़ कितना चाहिए और यहाँ पे एक अहम चीज़ है ये यूर की तो ये प्रोसेस ये होता है कि आप गूगल मैप में अपनी जी मेल से लॉग इन करते हैं ओपन करते हैं और वहाँ से आपको ये आपकी की मिलती है तो वो यहाँ पे आपने पुट करनी होती है लेकिन अभी चले हम इसमें गो थ्रू करते हैं एग्जाम्पल में आगे ये बताई चीज़ होगी चीज़ बताई होगी देखते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आट गेट एलिमेंट बाई आई और ये गलबन कोई डिव होगा या पैराग्राफ होगा और उसके अंदर हमने एक इमेज का टैग बना रहे हैं और उसमें सोर्स में ये दे रहे हैं यानी ये एज अ इमेज पूरा इसमें लोड हो जाएगा जैसे कि मेरे ख्याल है ये इसी चीज़ का कोड है जो ऊपर यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने ये वाली दिखाई है गालबन इसी के ये प्रोसेसिंग कोड है तो इसमें आगे हम जाते हैं अच्छा ये डाटा मेरे पास रिटर्न करता है पोजीशन के नाम से और उसके अंदर फिर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेट ये रिजल्ट हैं एल्टीट्यूड और इसकी एक्यूरेसी इसका मुझे आइडिया नहीं इसका भी नहीं और ये जिस डेट टाइम पे रिस्पांस है उसकी उस टाइम की वैल्यूज़ अच्छा जियो लोकेशन में एक तो हमारे पास ये वाला मेथड है गेट करेंट पोजीशन और उसके अलावा ये और ऑब्जेक्ट्स भी हैं नहीं किया यह भी यूज नहीं किया मैंने आ, लेकिन चलें ये डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी देखते हैं आ, बाकी काफी ये मिलती जुलती एग्जांपल है पैराग्राफ भी ऐसी है स्क्रिप्ट का ही डिफरेंस है और स्क्रिप्ट में उसी तरह एक्स वेरिएबल में स्टोर किया है और यहाँ पे हमने गेट लोकेशन वाला फंक्शन ही कॉल किया है और और यहाँ पे हमने कॉल किया है वाच पोजीशन और इसमें शो पोजीशन का फंक्शन हमने कॉल किया है बहरहाल ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया मुझे ये इसका आइडिया नहीं है हाँ ठीक है मतलब तो उसमें ये है कि वो एक दफ़ा आपका कॉल होता है और ये आपका बार बार कॉल होता रहेगा अगर आप मूव कर रहे हैं जैसे कि आप लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं गाड़ी में और आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो ये फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा और इसकी वैल्यूज़ अपडेट होती रहेंगी लेकिन अभी तो अपडेट मुश्किल है क्योंकि अभी तो मैं लैपटॉप मेरा टेबल के ऊपर है और शायद कुछ मूव ज़्यादा होगी तो तभी कोई डिफरेंस नज़र आएगा मेरा जो अंदाज़ा है तो इसमें जो इन्होंने यूज़ किया है ये कोड इसको हम देखते हैं इस पेज का सोर्स हम देखते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं ये इसके पेज को और देखते हैं यहाँ पे इन्होंने कैसे काम किया है और इसी तरह इसको मैं दोबारा लोड करता हूँ पेज ताकि ये ओरिजिनल उसमें नजर आए फिर वो डिफरेंस का भी पता लगेगा कि ये डिफरेंस कैसे आ रहा है अच्छा इस पर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे मैप होल्डर के नाम से ये एक डिव आया है और बाकी तो गूगल मैप अब देखिए यहां पे की जो है इनकी पास हो रही है तो ये की जो है ये इनकी W3 School स्कूल की है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे अभी जो ये हम डिमॉन्सट्रेशन ये देख रहे हैं इसका मकसद इसी हद तक की है अभी हम यहाँ पे ये चीज़ डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि ये जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो ये तब करेंगे यहाँ पे जो हमारा मकसद है यहाँ पे इसको गो थ्रू करना है क्योंकि जो मेरा यहाँ पे अभी मकसद है कि ये हम एच को एक दफ़ा गो थ्रू करें इसी तरह सी एस एस को गो थ्रू करें और जावर स्क्रिप्ट को गो थ्रू करें और पी एच पी को गो थ्रू करें और फिर हम कुछ यहाँ पर डेमो टाइप इसमें प्रोजेक्ट्स बनाएँ तो उसमें हमारे पास एक लर्निंग होगी कोड लिखा हुआ है और यहां पे शो पोजीशन और शो एरर दोनों को दोनों को दिया हुआ है शो पोजीशन में लैटीच्यूड लॉन्गिट्यूड को लिया है और गूगल मैप में पास किया है और फिर मैप होल्डर ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है और मैप होल्डर डिव है जैसे मेरा अंदाज़ा था कि ये डिव होगा फिर बाकी इसको हमने हाइट वेट दी है स्टाइल चेंज किया है जावास्क्रिप्ट में भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं और सी एस एस डायरेक्ट लिख के भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं फिर बाकी वैल्यूज पास किए हैं मैप को रेंडर करने के लिए चलिए बहरल हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे यहाँ पे ये यह इमेज है इसको हम नेक्स्ट होल्डर में डिव है इसमें यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ख़ुद भी प्रोफेशनली इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे इसी के ट्यूटोरियल में मैंने देखी हुई है ये इस्तेमाल इस तरह इसका देखा हुआ है लेकिन प्रोफेशनली मुझे इस्तेमाल करने का तजर्बा नहीं हुआ तो आ, यहाँ पे इसको फॉलो करने का मकसद ये है कि हमें इसकी कुछ बेसिक्स पता लग जाएं अगर आपको इस्तेमाल करनी पड़ जाए ये चीज़ें तो आप कर सकें तो मैं जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ इसका मकसद यही है कि हमें थोड़ी सी इसमें लर्निंग हो जाए कि अगर काम करना पड़ जाए कुछ तो आप इसमें काम कर सकें तो सपोर्ट हम देखते हैं कि बहुत पुरानी सपोर्ट है क्रोम के अंदर फायरफॉक्स और आलमोस्ट जो मेजर ब्राउज़र हैं सारे इसको सपोर्ट करते हैं और अभी तो इनके बहुत आगे लेटेस्ट वर्ज़न आ गए और अमूमन लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्सिमम लोग लेटेस्ट वर्ज़न ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हम फॉलो करते हैं तो इसमें हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि पहले हम डिमॉन्सट्रेशन को देखते हैं फिर हम कोड को स्टेप बाई स्टेप इसमें इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि इसमें क्या काम हुआ है तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रैग करके ऊपर लेके आ रहे हैं तो इसने हो जाना था तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है तो इसमें पहले हम एच का स्ट्रक्चर देखते हैं फिर हम ये बाकी स्टाइल जावास्क्रिप्ट वो बाद में देखना चाहिए अगर आपने किसी पेज के स्ट्रक्चर को समझना है तो पहले आप एच को समझें तो एच एम एल में एक पैराग्राफ है उसके बाद एक डिव है उसकी आई डी डिव वन है और कुछ इवेंट्स हैं वो हम देखते हैं बहरहाल अभी मोटा मोटा जो हमें स्ट्रक्चर है वो समझ आना चाहिए एक डिव डि वन के नाम से है फिर लाइन ब्रेक है और दूसरा एक ये इमेज पड़ा हुआ है ड्रैग वन के नाम से और इसको हमने इसमें वैल्यू भी हमने दी हुई है ये वाली इमेज जो है इसको भी आईडी हमने साइन किया है और फिर इसके भी आगे हमने एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ इवेंट्स हैं तो अब हम इसको बाकी स्टाइल को देखते हैं स्टाइल में क्या चीज खास है तो डिव वन यानी कि ये वाला डिव जो ये रेक्टेंगल नजर आ रही है ये इसी का स्टाइल है हमने इसको विथ असाइन किया है हाइट की है पैडिंग दी है और बॉर्डर हमने दिया है वन पिक्सल सॉलिड और इसको कलर भी दिया है ब्लैक ही तो अब जैसे यहाँ पे इसका बॉर्डर हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं ज़्यादा हमें बड़ा नज़र आए और कलर कुछ और करना चाहते हैं तो ये हम सी एस एस में बाद में पढ़ेंगे लेकिन अभी वैसे मैं थोड़ा सा कोड मॉडिफाई कर रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं ये और पैडिंग तो ये हमें थोड़ा सा इसका बाद में नज़र आएगा जब ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा तो ये पैडिंग की वजह से ये ऊपर दाएँ बाएँ ऊपर नीचे से ये स्पेस आ रही है और ये हम कम ज़्यादा करेंगे तो ये हो सकती है अगर इसको हम ज़ीरो कर देंगे तो ये फिर ये ऑलमोस्ट आप देखें किनारों से फासला नहीं है तो पैडिंग दोबारा मैं पेज को रीलोड कर लेता हूँ तो ये ओरिजिनल इसमें आ जाएगा हालत में तो ये जो स्पेस है ये पैडिंग इस पैडिंग की वजह लेकिन ये हम इन शाली ये सी बाद में पढ़ेंगे अभी हमने ये स्टाइल वाली चीज़ कवर कर ली है पहले हमने ये एच के जो मेन हेडिंग मेन टैग्स हैं वो समझे हैं कि ये कैसे हैं तो ये एक प्रोसेस है कि आप किस तरह स्ट्रक्चर समझ सकते हैं तो स्टाइल तक हम कर चुके हैं आगे अब हम यहाँ पे इन चीज़ों को नोट करते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है अच्छा इसमें ऑन ड्रॉप पे ये हमारा फंक्शन कॉल होगा ड्रॉप का और ये फंक्शन इधर लिखा हुआ है और हम स्क्रिप्ट में देखें आप जो फंक्शंस होते हैं स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हुए वो ख़ुद से कॉल नहीं होते लेकिन अगर आप कोड कोई और लिखा हुआ है फंक्शन से बाहर लिखा हुआ है तो वो डायरेक्ट चलता है जैसे मैं डेमांस्रेशन के लिए आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जैसे ये अलर्ट हम कर रहे हैं यहां पे हम लिखते हैं स्टार्ट और इसी तरह एंड पे इसको एंड में लिख देता हूं ये क्योंकि फंक्शन से फंक्शन से बाहर हमने लिखे हुए हैं दोनों चीजें तो ये हम देखेंगे कि, कि जब हम इसको रन करेंगे तो ये दोनों चीज़ें चलेंगी जैसे ये स्टार्ट कि ये टॉप टू बॉटम इसको प्रोसेस करता है आपका ब्राउज़र रेंडर करता है पेज को तो ये रेंडर करते करते कि जब स्क्रिप्ट पे पहुँचाया ये चीज़ उसको नजर आई उसने इसको डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पे अब वो वेट कर रहा है हमारा तो इसको हमने ओके okay किया इन चीज़ों को उसने स्किप किया और अपनी मतलब मेमोरी में इसको या किसी जगह लोड कर लिया है कि इसको जब कॉल होगी तो तब इनको वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर आखिर में अलर्ट ये, ये हमें एंड वाला भी नज़र आ गया और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें भी प्रोसेस हो गई और इसको मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि ये इसको कमेंट बना देता हूँ कमेंट बनाने से ये होता है कि आपका वो कोड टेम्परेरी तौर पे अगर हम रोकना चाहते हैं तो वो फिर इस तरह हम कर सकते हैं कि डबल स्लैश स्क्रिप्ट के अंदर ये लगा कि आप कोड एग्जीक्यूशन उस लाइन की रोक सकते हैं तो वैसे ओरिजिनली कमेंट बनाने का मकसद तो ये था कि आप नीचे जो कोड है उसको एक्सप्लेन करें लेकिन कभी कभी हम जो लाइन्स होती हैं उनका एग्जीक्यूशन रोकने के लिए भी कमेंट बना लेते हैं तो अब जैसे ये नहीं आ रहा तो जब डिव वन के ऊपर यानी इस डिव के ऊपर कोई चीज़ ड्रॉप होगी तो ये ड्रॉप वाला फंक्शन चलेगा अभी हम इसमें देखते नहीं है कि इसमें क्या हुआ है इसमें बाद में हम देखते हैं लेकिन पहले हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है ऑन ड्रैग ओवर और ड्रैग जब इसके ऊपर आके वो घूम रहा है यानी ये ऑब्जेक्ट लेके हम यहाँ पे घूम रहे हैं ये ड्रैग ओवर इवेंट आपका आ जाता है तो इसमें ये ड्रैग ओवर ही फंक्शन हमने लिखा हुआ है और इसमें हमने लिखा हुआ है प्रिवेंट डिफॉल्ट और यहाँ पे आप देखते हैं कि जो इमेज है इसमें हमने क्या किया हुआ है तो एक तो हमने इसकी प्रॉपर्टी है ड्रैग एबल ट्रू की हुई है यानी ये ड्रैग हो सके और ऑन ड्रैग स्टार्ट और यहाँ पे ड्रैग वाला फंक्शन कॉल हुआ हुआ है और ये ड्रैग वाला फंक्शन ये फंक्शन है बाकी इसकी हमने विथ और हाइट दे दी है तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें हम अब समझ चुके हैं इसका स्ट्रक्चर तो इसको अब कोड की जो डिटेल्स है ये अब देखते हैं ये क्या चीज़ है तो ड्रैग ओवर में कुछ ख़ास नहीं है और जो ज़्यादा जो मेन चीज़ हो रही है वो इसमें ड्रॉप में हो रही है और ड्रैग ऑन ड्रैग स्टार्ट में भी हो रही है तो इसको हम दोनों को देखते हैं और data ट्रांसफर डाट सेट डाटा टेक्स ईवी टारगेट डाट आई और यहाँ पे ड्रॉप में सबसे पहले तो प्रीमेंट डिफॉल्ट किया है और element data transfer dot get data text और target dot append child document dot get element by id और data यानी के ये वाला जो object है इसको as उसका child element हम ऐड कर रहे हैं जहाँ पे ये टारगेट टारगेट फिर ये होगा तो ये यहीं पे इसके एज़ ए चाइल्ड एड हो रहा है और इसको बल्कि हम थोड़ा सा यहाँ पे ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देखेंगे तो फिर ये समझ आएगी कि ये कैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है अब जैसे कि ये ड्रैग वन इसको हम ड्रैग करके वहाँ पे लेके जा रहे हैं तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया है और और यहां पे ये वही सेम जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पे ट्रांसफर हो गया है और बहरहाल ये बाकी कोड तो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया हाँ लेकिन इसमें हमने गो थ्रू किया है और अगर काम इसमें करना पड़े क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें अमूमन हम नहीं करते ये वेब डेवलपमेंट जो हम करते हैं हमारी ज़्यादातर जो वेब डेवलपमेंट है वो आपकी डाटा ड्रिवन होती है यानी हमारी डाटा बेस में वैल्यूज़ जा रही हैं डाटा बेस से वैल्यूज़ हम रीड कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ये होता है और जो मैंने प्रोफेशनली काम किया है वो इसी तरह का काम किया है तो ये जो जावा में जो चीज़ें हैं इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा काम नहीं किया लेकिन इसको सारा गो थ्रू करने का एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि अगर इसमें काम कुछ करना पड़ जाए तो बेसिक्स एटलीस्ट आपको पता हो ताकि आप काम कर सकें बाकी फिर जिस तरह की रिक्वायरमेंट आती है हो सकता है किसी जगह मुस्कबिल में फ्यूचर में आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आ जाए तो आपको ये बेसिक्स पता हो तो आप इस चीज़ पर सोच सकते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है तो अगर आपको एक चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता तो फिर आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते आपको फिर फ्रॉम स्क्रैच सर्चिंग करनी पडेगी कि क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें सबसे अहम चीज देखें यहाँ पे यही चीज़ है कि जिस चीज़ को आपने ड्रैगेबल करना है उसको पहले आपने ट्रू करना है ड्रैगेबल इसमें हम कुछ चीज़ें हम वैसे थोड़ी सी चीजें ट्राई कर सकते थे जैसे कि ऑन ड्रैग ओवर मतलब यहां पे अगर हम अलर्ट डालें तो हमें थोड़ा सा इनका फ्लो का समझ आ जाएगा कि ये फ्लो किस तरह हो रहा है तो जैसे यहां पे मैं अलर्ट का फंक्शन लिखता हूं मतलब कुछ चीज़ें देखी होती हैं आपको आती होती हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं आती तो जब आपको कुछ चीज़ें नहीं आती तो उनको आप कैसे समझ सकते हैं एक तो ये है कि आप गूगल में सर्च करें कहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए तो ठीक है वेल एंड गुड तो कुछ चीज़ें आप खुद से समझना चाहते हैं तो फिर उसमें जिस तरह के भी मैं टेक्निक ये इस्तेमाल कर रहा हूँ वो हम कर सकते हैं जैसे ये मैं अलर्ट करवा रहा हूँ और अलर्ट के अंदर जो फंक्शन का नाम है वो लिखता जा रहा हूँ उसमें ये होगा कि इसकी एग्जीक्यूशन का मुझे थोड़ा सा एक फ्लो समझ आ जाएगा तो इसका मकसद यही है और जो फंक्शन के नाम हैं वो मैं यहाँ पे इसमें कॉपी करता जाऊँगा जो अलर्ट का टेक्स्ट है उसके अंदर क्योंकि यही टेक्स्ट हमें नज़र आता है असल में और ये ड्रॉप के फंक्शन के भी मैं ये लिख देता हूँ इसमें ये तीनों को हमने कॉल कर लिया है और अब देखिए ये मैं क्लिक करके ड्रैग सिर्फ क्लिक करके उसको ड्रैग करने का स्टार्ट किया था तो देखिए हमने लिखा था ऑन ड्रैग स्टार्ट क्योंकि ड्रैगिंग स्टार्ट होती गया तो ड्रैग ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है और ये हमें डिमॉन्सट्रेशन के साथ ये अलर्ट बॉक्स को देख के अंदाजा हो रहा है अच्छा अब दूसरी बात यह कि हमने उसको थोड़ा सा हिला रहे हैं तो उसमें क्या हुआ है कि लाउड ड्रॉप वाला ये तब कॉल होता है ऑन ड्रॉप ओवर ये हमने इसके ऊपर लेके आए थे इस वजह से ये वाला ये वाली चीज़ ऑन ऑन ड्रॉप ओवर ये कॉल हुआ है इसलिए ये अलाउड आ यार है और एक्चुअली हम यहाँ पे अब ड्रॉप करते हैं बल्कि अभी तो ये अलर्ट बॉक्स हमें ये काम नहीं करने देगा सही तरह तो दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ ये अब किधर लूप में ही फंस गया है मेरे ख्याल है क्योंकि ये अभी काम नहीं कर रहा स्टक हो गया है तो इसमें फिर से मैं दोबारा से इसको मुझे लोड करना पड़ जाएगा और ये चीज़ें हट जाएंगी से कर रहा है इसको मैं बंद कर देता हूँ और दोबारा से इसको मैंने ड्रैग स्टार्ट किया है और अभी मैंने कि इसकी कोशिश की है कि इसके ऊपर ना आए क्योंकि तो इसके ऊपर आएगा तो तभी ये आपका अलाउ ऑन ड्रैग ओवर वाला इवेंट कॉल होगा और इसमें ये अलाउ ड्रॉप कॉल करेगा तो वो मैं नहीं कर रहा उसके ऊपर अभी लेकिन जाता जाऊंगा तो फिर ये फंक्शन कॉल हो गया है और इसके बाद से ये स्टक हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिर मैं ये चीज अगर मैं स्किप कर दूं तो ये ज्यादा सही रहेगा इसमें बल्कि हम एक और काम भी कर सकते हैं इसके बजाय अगर हम क्योंकि अलर्ट जब आता है तो वो आपकी एग्जीक्यूशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है तो इसके बजाय अगर हम एक और यहाँ पे डिव बना लें और इसमें हम इसकी प्रोग्रेस जो है वो उसमें मॉनिटर करते रहें तो उसके लिए हम फिर इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे एक हम डिव बना लेते हैं और इसमें हम इसकी प्रोग्रेस जो भी हो रही है वो उसमें नोट करते हैं तो इसको मैं आई एक ट्रॉप के नाम से आईडी इसको दे देता हूं और यहां पे जिस तरह हमने ये गेट एलिमेंट बाई आई डी कर रहे हैं जो स्क्रिप्ट के स्टार्ट में ही हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको यही नाम दे देते हैं पी आर ओ जी अक्सर मैं जो एलिमेंट्स के नाम है वही वेरिएबल के नाम रख देता हूँ फिर उसमें हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है यही सेम नाम रखती है और अब ये यहाँ पे हमने करना ही है कि जितनी भी जगह है यहाँ पे है हमने फिर कर देना है पी आर ओ जी डॉट इनर HTML टी एम और इसको हम जो भी अभी चीज़ यहाँ पे चल रही है उसका नाम इसमें लिख दिया तो इसको भी टेस्ट करते हैं देखिए अभी बजाय मैं बाकी ये लाइंस लिखूं वैसे मैं ये यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए लेकिन इसको भी मैं जो काम कर चुका हूँ उसको टेस्ट करने के लिए इसको मैं रन करता हूँ क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप सारा कोड लिख के चेक करते हैं तो फिर आपके काम नहीं हो रहा होता फिर आपको समझ नहीं आती ये मसला कहाँ पर आ रहा है तो एटलीस्ट हमें पता है कि ऑन ड्रैग स्टार्ट पे ये वाला ड्रैग वाला इवेंट कॉल होगा और ये इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया तो फिर ये हमें कंफर्म कंफर्मेशन मिल जाएगी जैसे यहाँ पे यहाँ पे मैं अभी वैसे कुछ टेक्स्ट लिख भी देता हूँ ताकि उसका वो जो हमें एरिया भी नज़र आए तो अंदाज़ा हो जाए तो हमें वहाँ पे कुछ भी चेंज नज़र नहीं आई इसका मतलब है कि हमने कुछ गलती की है तो अपने कोड को गो थ्रू करते हैं गो थ्रू करने से यही होता है कि आपको समझ आती है आपने गलती क्या की है तो इसमें जो मुझे लग रहा है एक मुझे गलती जो शक पड़ रहा है गलती का वो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक में मुझे लग रहा है शायद मैंने गलती की है तो वो मैं कंफर्म कर लेता हूँ अभी क्योंकि अगर आपका अपना कोड डिबग करना नहीं आता तो फिर आप नहीं कर सकते प्रोग्रेस नहीं कर सकते आगे तो मुझे इस चीज का थोड़ा सा शक है कि शायद स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे नहीं स्पेलिंग तो ठीक है अच्छा फिर मैं देख लूँ कि मैंने सेंटिक्स को फॉलो किया है कि नहीं सेंटिक्स यही है ऑब्जेक्ट ना, इसका नाम और फिर इनर एच जो एम एल इक्वल हमने बनाने चाहिए था ये वेरिएबल का नाम हमने दिया डॉक्यूमेंट एडवेंटी प्रॉग और यहाँ पे हमने इसको आई डी साइन किया मिल गई उसको उसके बाद ड्रैग का इवेंट स्टार्ट हुआ और हमने डॉट इनर एच डी एम एल इजिकल टू ड्रैग जहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा इसमें फिर मैं एक दफा फिर अलर्ट करके चेक करता हूँ ये इसमें मुमकिन है कोई गलती मुझसे हो रही है भी कॉल नहीं हो रहा इसका मतलब है कुछ कोड में हमारे गड़बड़ है तो इसमें देखें अब कोड uh, में जो गड़बड़ है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं एक तो ये मैंने इसमें कोटेशन के अंदर लिखना चाहिए था वो कोटेशन के अंदर नहीं लिखा एक तो ये गलती मुझसे हुई है हाँ इसमें देखें ये कॉल हो रहा है लेकिन वो बाकी इसमें टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा तो इसमें, इसमें बस तो बाहर तो नहीं लग रही कोई गलती हाँ इसमें इसमें इसको मैं इसको पैराग्राफ करके देखता हूँ क्योंकि शायद ये वजह हो हमारा काम यहाँ पे गड़बड़ हो गई है अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमें इसमें समझने में मसला आ रहा है कि गलती कुछ हो रही है लेकिन समझ नहीं आ रही कि गलती क्या हो रही है तो इसका फिर एक और हल है कि आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर, करते हुए इसको ट्राई करते हैं एक और चीज़ ट्राई करते हैं वो ये है कि हम ये इस कोड को पूरे को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं एच की एक क्योंकि कुछ चीजें उसमें सही तरह से नहीं होती आप जब इस तरह करते हैं तो फाइल बना के ओपन करते हैं तो वो फिर उसकी ट्रैकिंग आसान हो जाती है क्योंकि वहां पे वो खुद आई फ्रेम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें फिर इश्यूज आते हैं अच्छा यहाँ पे मैंने कोड को पेस्ट किया सेव किया और यहाँ पे नई टैब में मैंने जो फाइल अभी बनाई है उसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ फिर इसमें यह है कि हमें क्योंकि ये इसका अपना एक अलग से स्ट्रक्चर है तो उसको फिर हमें फॉलो करने में आसानी होती है या इसमें आपके अगर कोई एरर आ रहे हैं तो आपको यहाँ से कंसोल से पता भी लग जाता है कि आपसे गलती क्या हो रही है तो इसमें हम देखते हैं अभी एक तो उसमें देखिए ये एरर दे रहा है कि वो इमेज मिसिंग है तो ये तो आसान है इसका हल इसका हल अच्छा ये इसी में ही खुल गई है इसको मैं नई टैब में ओपन करता हूँ और अब इसका पहले ये इमेज वाला इशू फिक्स करते हैं कि इसको हम राइट क्लिक करके सेव एज करते हैं और यहीं पे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं तो क्योंकि उसको इमेज नहीं मिल रही थी एक तो इस वजह से वो इमेज शो नहीं कर रहा था और अब दूसरा ये कि इसका हम F12 की प्रेस कर रहा हूँ मैं इसमें कंप्यूटर के ऊपर F12 की और ये हमारे डेवलपर जो टूल्स हैं ये शो हो जाते हैं जी अब इसको मैं ट्रैक करता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर एक ये आ रहा है कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी इनर एसटीमल ऑफ नल अच्छा अब देखें यहाँ पे इशू हमें थोड़ा सा हमें उसको ट्रैक करने में आसानी हो रही है वो ये है कि देखें वो ये हमें मसला बता रहा है कि ये जिस ऑब्जेक्ट हम समझ रहे हैं ये पी आर ओ जी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो रहा है इसलिए वो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है कॉन्सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल यानी ये पी आर ओ जी के अंदर तो नल है तो वो उसको कैसे एक्सेस करे तो इसका फिर मैंने तो इसलिए इसको ऊपर टॉप पे बनाया था कि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये सब जगह पे एक्सेसिबल हो जाएगा तो अभी मैं ये करता हूँ कि बल्कि यहीं पे मैं इसको कर लेता हूँ बल्कि यहाँ से तो सारा कोड चला गया क्योंकि लोड हुआ है दोबारा तो पहले चाहे अभी मैं यहीं पे करता हूँ ये काम कि यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे बायर में रखी हुई है इसको मैं यहीं पे भी पड़ी रहे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे ये इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने इसको सेव किया और इसको दोबारा से मैं लोड करता हूँ तो अभी देखें वो हम कॉल हो रहा है सही हो गया अभी थोड़ा सा नुकसान ये होगा कि ये जितनी जगह पे भी हम ये ग्लोबल अगर करते हैं तो अभी ग्लोबल एक्सेस में मसला आ रहा है तो इसको मैं अभी स्किप करता हूँ ताकि ये डिमॉन्सट्रेशन पूरी हो वरना तो ग्लोबल को भी एक्सेस करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा तो अब मैं इसको वहाँ पे लिखता हूँ और ये ड्रॉप का भी हो गया और अब आखिर में ये लाओ इसको भी मैं नोट कर लेता हूँ अब देखिए मैं चेंज वही कर रहा हूँ चीज़ जो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है यानी उसका टैक्सी वाला चेंज हो रहा है तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको फिर मैं रीलोड करता हूँ तो अब वो जितनी देर इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो ड्रैग ही आ रहा है और अब अलाउड ड्रॉप आ गया फिर ड्रैग फिर अलाउड ड्रॉप फिर इस पर क्लिक किया फिर ड्रैग अलाउड ड्राप और अब मैं एक्चुअली ड्रॉप कर रहा हूँ तो वहाँ पे अब उसको ड्रॉप कर दिया तो ये इसी मकसद के लिए किया था कि ये हम इसको समझ सकें कोड को एडिट करने से ये होता है कि आपको थोड़ा सा फ्लो आपको समझ आना शुरू हो जाता है और आपका जो स्किल है कोड को डिबग करना ये बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना कोड डिबग नहीं कर सकते फिक्स नहीं कर सकते तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते फिर आप मतलब यही है फिर आप किसी और बंदे को ढूंढेंगे कि मुझे कुछ कोई बंदा कोड को फिक्स करके दे तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी आप जो डिबगिंग स्किल है डेवलपमेंट स्किल है उसको इम्प्रूव करें तो नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाते हैं और ये प्रोसेस जो है यहाँ पे फाइल बना के इसको एक्सेस करने का ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा ये चीज़ कर चुके हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो डेमॉन्स्ट्रेशन हो रही होती है वो ब्राउज़र के अंदर ही हाँ अगर हम देखें तो ये आई फ्रेम के अंदर हो रही होती है तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को डिबग नहीं कर सकते जैसे अगर आप इसका भी इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और इसका कोड देखें तो आप देखेंगे कि ये राइट साइड पे जो है ये आपके आई फ्रेम के अंदर आ रही है तो जब आपके डायरेक्ट पेज के अंदर आप होते हैं तो उसमें ये आई फ्रेम वगैरह नहीं प्रोसेस होता तो उसको उसको समझना फिर आसान होता है तो इसलिए कभी कभी चीज़ें इसमें ना चलें तो ये फिर आप यही तरीका इस्तेमाल करें सेम ये फाइल इसको कॉपी करें कोड को और अपने डेस्कटॉप के ऊपर या जिस लोकेशन पे भी एक एच की फाइल बनाएं और उसके कोड के अंदर वो सारा कोड पेस्ट करें और फिर इसको आप ब्राउज़र में टेस्ट करें तो थोड़ा सा फिर आपको डिफरेंस नज़र भी आएगा जैसे जैसे यहाँ पे आप अगर आप इसका टाइटल आपका अगर डालते हैं हेड सेक्शन में तो टाइटल आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा तो वो जब आप फाइल बना के सेव करेंगे तो फिर आपको टाइटल यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आता है तो ये कुछ चीज़ों का इश्यू होता है वैसे ओवरऑल इनका मुझे ये बड़े पसंद है ये ये एग्ज़ैम्पल्स इस तरह की लेकिन कुछ चीज़ों का इशू आ जाता है तो एक हम देखते हैं कि यह भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बल्कि यहाँ पे यह बड़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन इनमें किसी में भी प्रोफेशनली मुझे काम करने का ज़्यादा इतफाक़ नहीं हुआ सवाइज के कि जियो लोकेशन में जो गूगल मैप है उस पर ए पी आई पर काम किया हुआ है तो इसको हम फॉलो करते हैं एक देखिए हमारे पास ऑनलाइन स्टोरेज होती है जो आपके वेब सर्वर के ऊपर होती है तो ये स्टोरेज इसलिए दिलचस्प है कि ये आपके ब्राउजर के अंदर स्टोर हो रही होती है तो एक तो आप छोटी सी स्टोरेज होती है कुकीज़ की तो उसकी लिमिट होती है तो ये उससे ज़्यादा स्टोरेज होती है जैसे यहाँ पे ये चीज़ ये भी लिखी हुई है फाइव एम बी मोर देन इनफ मतलब आप अच्छा खासा इसमें चीज़ें स्टोर कर सकते हैं वैसे तो ये फाइव एम बी कुछ भी नहीं है मतलब दूसरे हिसाब से देखा जाए लेकिन टैक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये रीजनेबल अमाउंट बन जाती है तो इसको हम गो थ्रू करते हैं सपोर्ट हम देखते हैं सपोर्ट बहुत रीजनेबल है कोई इश्यू नहीं है इसको इस्तेमाल करने में तो कुछ चीजें होती हैं वो सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं तो फिर आपकी सर्वर स्टोरेज अहम होती है लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आप चाहते हैं कि क्लाइंट पे ही सारी प्रोसेसिंग हो रही हो तो फिर आप ये कर सकते हैं कि क्लाइंट के ऊपर ही डेटाबेस आपका जो डाटा है वो स्टोर करें क्यों एग्जीक्यूट करें और इसको चले हम हम देखते हैं लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज तो सेशन स्टोरेज में तो यह जब ब्राउज़र की टैब क्लोज़ होगी तो आपके ये स्टोरेज खत्म हो जाएगी टेम्परेरी बिल्कुल टेम्परेरी हो जाती है और दूसरी आ जाती है आपकी लोकल स्टोरेज तो लोकल स्टोरेज का फिर ये फ़ायदा है कि आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं एक्सपायरेशन डेट नहीं होती और तो उसकी अगर हमने सपोर्ट चेक करनी है तो वो जावास्क्रिप्ट में हम चेक कर सकते हैं टाइप डेफ और जो भी वेरिएबल है स्टोर और वो नॉट इक्वल टू हमने लिखा हुआ है उसका तो मतलब यह है कि वो अनडिफाइंड नहीं है तो फिर वो आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं और यहाँ पर यह है कि फिर वो सपोर्ट नहीं करता तो फिर ये मैसेज हम उसको अभी देखें कमेंट में अलर्ट करवा सकते हैं एंड यूज़र जो आपका एप्लीकेशन ओपन कर ओपन कर रहा है वेब एप्लीकेशन आपका जो भी यूज़र उसको हम बता सकते हैं कि आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन हम देख सकते हैं कि सपोर्ट वैसे ऑलमोस्ट अवेलेबल है तो इसमें ट्राई it योर सेल्फ एग्जाम्पल हम देखते हैं और यहाँ पे देखिए डाटा लिखा हुआ आ गया तो इसको इसका स्ट्रक्चर एच टी एम एल इसमें इसमें स्क्रिप्ट ही है मेन चीज़ आपका यहाँ पे ये यह रिज़ल्ट के लिए सिर्फ एक ये डिव लगा हुआ structure है स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया कि हम पहले हम समझते हैं कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर हमें समझ आए तो एच टी एम एल में यहाँ पर सिर्फ एक डिव है और फिर स्क्रिप्ट में हम देखें ये कोड किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये ही एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पहले जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने बताया था कि वो किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ टाइप डेफ स्टोरेज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड वैसे ये होता है कि कोई वेरिएबल अगर ना बना हुआ हो तो वो अनडिफाइंड उसके अंदर वैल्यू आ रही होती है तो इसलिए इन्होंने लिखा है नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड और ये उस डबल इक्वल टू यहाँ पे लिखा है तो उसका ये भी है कि ये उसकी टाइप भी साथ चेक कर रहा होता है कि टाइप दोनों की सेम हो तो उसके इक्वल नहीं है तो फिर ये हम हम इसमें कोड लिख सकते हैं यानी कि ये कोड तब हम लिखें डाटा स्टोर करने का या रीड करने का जब वो सपोर्ट करता हो अदरवाइज़ क्या है कि अगर कोई आपका पुराना ब्राउज़र होता जो वहाँ पे दिए हुए ब्राउज़र के वर्जन तो फिर आपका ये चीज़ चलती तो इसमें देखें आपने गेट एलिमेंट बाई आई डी और देखें किसी वेरिएबल में भी स्टोर नहीं किया डायरेक्ट लिख दिया है तो कर सकते हैं इस तरह और साथ यहीं पर रिजल्ट ये वाला ऑब्जेक्ट है एलिमेंट है ये इसके ऑब्जेक्ट बना वहीं पे इनर एच यूजर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट वेब स्टोरेज ये कर दिया तो बहरल अभी हम इस ब्लॉक ऑफ कोड को समझते हैं यहाँ पे क्या किया असल काम यहीं पे हुआ है तो इसमें देखें लोकल स्टोरेज ठीक है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है इसको लिखा डॉट सेट आइटम ये उसका फंक्शन है वैल्यू स्टोर करने के लिए लास्ट नेम सम ये उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया है तो इसके बाद इसको रिट्रीव करना है तो फिर कैसे करना है फिर जैसे है कि id, ये कि गेट एलिमेंट बाई आई डी ऑब्जेक्ट डॉट इनर एच डी एम एल और लोकल स्टोरेज यही जो लिखा हुआ था हमने और गेट आइटम इनको हम सेटर और गेटर फंक्शन बोलते हैं तो यहाँ पे हम वही जो वेरिएबल का नाम दिया था ये जब स्टोर कर रहे थे हम आइटम तो इसका हमने कोड आप कहें कि की दी है वो और वैल्यू ये है तो की को जब भी आप कॉल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी तो वैल्यू हमारे पास ही आ गई है आ, ये चले एक छोटी सी एग्जांपल है नेम पेयर्स के साथ स्टोर होती है नेम जो भी आपने उसका नेम डिफाइन करना चाहते हैं वेरिएबल का नेम जिस तरह होता है या की आप समझ लें अगर आप और फिर एक होती है एक्चुअल वैल्यू फिर हम आगे आगे यहाँ पे शायद थोड़ी सी और चीज़ें की हैं बाकी मेन चीज़ यही है इसको हम समझते हैं लेकिन इससे पहले हम एच का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं उसमें बॉडी में हमारे पास एक बटन है क्लिक में चलिए इसको हम क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं लेकिन अभी हमारा मेन फोकस uh, वो नहीं है फोकस हमारा ये स्ट्रक्चर है uh, इसको हम समझते हैं पहले डेमॉन्स्ट्रेशन इसकी ले लेते हैं क्लिक द बटन टू सी द काउंटर इंक्रीज, क्लोजर क्लोज द ब्राउजर टैब और विंडो एंड ट्राई अगेन द काउंटर विल रिमेन टू काउंट इट इज़ नॉट रीसेट। तो इसका मतलब यह कि स्टोरेज में वो सेव किया है सेशन में नहीं किया सेशन में करता तो फिर वो ख़त्म हो जाता तो जैसे ये अब टू टाइम्स आ गया है चले मैं इसको अब क्लोज करता हूँ टैब को जैसे कि वो कह रहे हैं और फिर इसको क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक नहीं करता हूँ तो वो लास्ट टाइम जो था उससे फिर अब ये आगे सेव कर रहा है। तो अब हम इसको कोड को समझते हैं एक इसमें ये बटन अहम है और इसमें हमने ऑन क्लिक इवेंट पे ये हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और वो ये फ़ंक्शन ये है तो इसका मतलब ये है कि ये हम आखिर में समझते हैं क्योंकि असल चीज़ यही हुई है और बाकी अहम चीज़ में ये एक डिव है रिज़ल्ट के नाम से यहाँ पे ये यह नज़र नहीं आ रहा अभी एम्प्टी है फिर आपके ये पैराग्राफ है और फिर एक और पैराग्राफ है तो सही है, हमें इसका स्ट्रक्चर का समझ आ गया एच डी एम एल के तो अब हम ये जो कोड है इसको समझते हैं क्योंकि ये फंक्शन क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर फंक्शन से बाहर जो कोड होता है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो इसमें हम देखते हैं पहले वही टाइप इसकी चेक की सपोर्ट करता है और और दूसरा फिर क्या किया कि जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि ये वेरिएबल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमने देखे यहाँ पे तो हमने ये सेट आइटम और गेट आइटम के फंक्शन यूज किए थे यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट हम कॉल करें वेरिएबल के नाम को और जैसे ये उसके इंक्रीज कर रहा है वैल्यू अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है यानी यहाँ पे उसका काउंटर में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी तो वैल्यू आ रही होगी तो फिर ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी ट्रू होगी तो ये वाली चीज़ चलेगी लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब ये ओपन होगा तो फिर वो ये एल्स पार्ट चलेगा तो इसमें ये कह रहा है लोकल स्टोरेज डॉट जो भी आप वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं उसका नाम और वैल्यू हमने दे दी वन और उसके बाद हमने रिजल्ट वाला जो ये हमारे पास डिव है इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया इनर क्लिक द बटन प्लस इसकी वैल्यू रीड की इस तरह ये वैल्यू रीड हो रही है टाइम्स और सेकेंड ये फिर एल से अगर वो सपोर्ट नहीं करता ये उसका है तो दूसरी सूरत ये है कि नेक्स्ट टाइम आप इसी बटन को क्लिक करते हैं तो ये आके यहाँ पर चेक करता है उसके अंदर वन है या वन से ज़्यादा होगी अगर बाद में आप जब इसमें आएंगे इंक्रीज जो यानी एक से ज़्यादा हो बटन क्लिक हुआ है तो वन तो यहाँ पे इफ को बेसिकली यहाँ पे वन या वन से ज़्यादा बड़ी वैल्यू यानी जीरो के अलावा कोई वैल्यू ट्रू वैल्यू यानी ट्रू होगा तो वो भी इसको ट्रू के तौर पर लेगा वैल्यू टू होगी थ्री होगी हंड्रेड होगा वो इसको ट्रू के तौर पर लोगे ज़ीरो होगा तो उसी को ये फॉल्स के तौर पर लोगे तो फिर ये नहीं ये कोड फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये जिस तरह हमें पता है कि फर्स्ट टाइम जब आएगा तो उसके अंदर वन होगा तो वन ट्रू और फिर ये इसके काउंटर में इंक्रीज कर रहा है जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू रीड की और इसको ये नंबर हमने दिया है इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं कि ये नंबर फॉर्मेट में कर रहा है और प्लस वन तो जो भी लास्ट टाइम वैल्यू थी वो पहली दफ़ा वन थी तो फिर टू हो गए इसके अंदर अब फिर टू आ गया फिर हम क्लिक करेंगे तो वो इसी तरह ये इंक्रीज होता रहेगा तो आगे हम चलते हैं सेशन स्टोरेज तो इसमें ज़्यादा काम की तो लोकल स्टोरेज लग रही है क्योंकि इसमें आप कुछ डाटा परमानेंट स्टोर कर सकते हैं और यूज़र आपका दोबारा ओपन करता है ब्राउज़र आपका तो फिर उसमें आप उनको रीड कर सकते हैं तो सेशन स्टोरेज का भी तरीका कार हम देखते हैं नई टैब में और इसमें ये टैब हम क्लोज़ करेंगे तो एक तो बात यही समझ आ रही है कि ये रीसेट हो जाएगा इसको फोर टाइम हम क्लिक किया है हमने और फिर दोबारा से आके वन से ये स्टार्ट हो रहा है तो बाकी कोड आपका ऑलमोस्ट सेम है तो सिर्फ यहाँ पे इसका फ़र्क है ये सेशन स्टोरेज और वो लोकल स्टोरेज बाकी मेरे ख़्याल ऑलमोस्ट कोड बाकी ऑलमोस्ट सेम है तो आज फिर उम्मीद है कि ये हम एच टी एम एल वाला पोर्शन पूरा ही कर लेंगे उम्मीद है फिर इसके बाद ये एस एस सी एक चीज़ रहेगी है तो उम्मीद है ये पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट में हम इन शाला तला सी एस एस स्टार्ट कर देंगे और फिर इसी तरह इसको जब ख़त्म करेंगे तो फिर इनशाला जावा स्क्रिप्ट और फिर इनशाला पी एच पी और फिर बाकी भी मौका मिला तो बाकी चीज़ें भी इस तरह हम कवर करते रहेंगे इनशा तला तो वेब वर्कर्स क्या चीज़ है ये आपका स्क्रिप्ट्स हैं जो के जावास्क्रिप्ट का जब भी नाम आएगा तो उससे सीधी सी बात आप समझ आएंगे ये जो आपका क्लाइंट या यूज़र का कंप्यूटर है वहाँ रन होगी चीज़ें सर्वर है उस पर मोस्टली आपकी जो सर्वर लैंग्वेजेस हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं तो जनरली आप यही समझें कि जावास्क्रिप्ट आए तो ये यूज़र के कंप्यूटर पर ही एग्जीक्यूट होना और इसमें ख़ास बात यह कि बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होना है अभी है कि जावा स्क्रिप्ट जो है नोट जे एस जो है वो एक टेक्नोलॉजी है वो उसमें जावर स्क्रिप्ट जो है वो सर्वर पे भी एग्जीक्यूट होती है लेकिन जनरली जावा हम जो है वो एंड यूज़र के मतलब कंप्यूटर के ऊपर ही हम इसको एज्यूम करते हैं वो चले एक नोट जे एस का एक स्पेशल केस हो जाता है और ये क्योंकि बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती है तो ये आपकी परफॉर्मेंस उसको इफ़ेक्ट नहीं करती तो इसमें हम देखते हैं वैसे तो यह है कि आपका स्क्रिप्ट जब चलना शुरू करता है तो आपका पेज अनर हो सकता है कि जब तक वो आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन पूरी नहीं करता किसी भी वजह से स्टक हो सकता है जैसे अभी पीछे थोड़ी देर पहले हमने कोड चेंज किया था उसमें बग था उसकी वजह से हमारी जो टैब है वो एग्जीक्यूट होना ही रुक गई थी फिर उसको बंद करके फिर से ओपन करना पड़ा था और ये बैकग्राउंड में रन होता है इंडिपेंडेंट होता है बाकी स्क्रिप्ट्स के साथ क्योंकि अगर स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो फिर एक दूसरे की एग्जीक्यूशन के ऊपर ये असरअंदाज हो सकते हैं सपोर्ट हम देखते हैं सपोर्ट ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं और अब हम इसके डेमोस्ट्रेशन चेक करते हैं और फिर ये एग्जाम्पल का कोड चेक करते हैं स्टार्ट वर्कर और स्टॉप फिर स्टार्ट वन से स्टार्ट फिर करता है स्टॉप चले इसको अब हम ट्राई करते हैं और इसके कोड को समझने की कोशिश करते हैं तो आज तो ये एच ऑलमोस्ट नाम ये एच है लेकिन इसमें ऑलमोस्ट आपको जावा स्क्रिप्ट ही इसमें कवर हो रही है क्योंकि ये ए बेस्ड काम है तो वो इंटरेक्ट करने के लिए आपके पास जावा स्क्रिप्ट ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज़र एंड पे आपके जावास्क्रिप्ट है और सर्वर एंड पे मोस्टली पीएचपी इस्तेमाल होती है तो इसमें हमारा जैसे कि पहले डिमॉन्सट्रेशन हम वो ऑलमोस्ट देख चुके हैं ये ऐसे ही चल रही है अच्छा और अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं एच का सबसे पहले तो ये हमारे पास एच है ये स्क्रिप्ट है इसको स्किप करते हैं पहले इसको हम देखते हैं पैराग्राफ में काउंटर और ये एक टैग है आउटपुट के नाम से रिज़ल्ट वग़ैरह शो करना हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोफेशनली वैसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया कियाफ़ाक़ नहीं हुआ लेकिन टैग्स में हमने गालबन पढ़ा था इसकी आईडी साइन की है वैसे इसको हम पैराग्राफ में भी लिख सकते थे यहीं पे एक और कोई टैग इस्तेमाल कर लेते अंदर इसमें स्पेन इस्तेमाल कर लेते वगैरह लेकिन जब आपके सर्च इंजन इस तरह के पेजेस को रीड करते हैं तो यहाँ से उनको कन्टेक्स पता लग रहा होता है कि इसमें वाकई कोई आउटपुट शो हो रही है अगर यहाँ पे जिस सिर्फ अगर डिव होता और उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर हमने ये किया होता तो वो कन्टेक्स नहीं पता लग रहा तो यहाँ पे सर्च इंजनस को या जो भी इस तरह स्कैन करते हैं पेजेस को अपने पास इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो उनको इसमें फायदा हो सकता है तो एक होता है सेंटिक्स और एक होता है सीमेंटिक्स तो ये आपके जो एच में नए टैग्स हैं वो सीमेंटिक बेस्ड काफी सारी चीजें हैं जैसे हेडर फुटर के टैग्स हैं साइड बार तो ये इस तरह के जो टैग है कंटेंट आर्टिकल ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको कंटेक्स को समझने में मदद देती हैं चलें फिर इसमें आगे हम चलते हैं बटन आपका एक बना हुआ है स्टार्ट वर्कर और एक स्टॉप का और उसमें जैसे कि हम हमें तो कि इनके ऑन क्लिक इवेंट ही उमूम होता है और इसमें स्टार्ट वर्कर और स्टॉप वर्कर का फंक्शन है तो स्क्रिप्ट में हम इसको थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर दें क्योंकि फंक्शन सभी कॉल होंगे जब एग्जीक्यूट होंगे जब उनको कॉल किया जाएगा फिर इसको भी हम स्किप कर देते हैं तो बायर अब सिर्फ एक ही चीज़ है एक ये वेरिएबल बना है डब्ल्यू के नाम से तो अभी हम स्टार्ट वर्कर का कोड देखते हैं जैसे वहाँ पे हमने पीछे जो चेक किया था स्टोरेज का पहले कंफर्म करते हैं कि ये सपोर्ट करता है कि नहीं तो इसमें भी हम देखे पहले हम वर्कर के ग्लोबल ऑब्जेक्ट को टाइप उसकी चेक करें कि ये सपोर्ट आपका ब्राउजर करता भी है कि नहीं तो अगर नहीं करता तो एल्स में आपने डायरेक्ट उसमें रिजल्ट का जो आपका ये आउटपुट का टैग है इसमें आप शो कर देते सॉरी योर ब्राउजर सपोर्ट वेब वर्कर यानी आपका स्टार्ट में ही आप एंड यूजर को बता दें कि आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है आप ब्राउजर अपडेट करें या कोई और ब्राउज़र इस्तेमाल करें तो जो नॉर्मल केस है वो ये है कि वो इसको सपोर्ट ये करता होगा और फिर अब ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्ट जो हमने एक वेरिएबल बनाया है ये इसमें वेब इसमें ये वर्कर स्टोर है भी या नहीं तो इसलिए इसको चेक किया है कि अगर वो इक्वल इक्वल टू अनडिफाइंड है यानी कि बिल्कुल ये फ्रेश वेरिएबल है इसमें कुछ भी हमने स्टोर नहीं किया और जैसे हम बिल्कुल ये पेज ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही केस होगा कि के ये अनडिफाइंड इसकी वैल्यू होगी डब्ल्यू की ये वाला जो वेरिएबल है तो उसमें ये क्या होगा कि एक ये वर्कर क्रिएट होगा और वर्कर डॉट जे एस अच्छा इसको हम देखते हैं ये जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाइल में पड़ी हुई है इसको हम अभी खोल के देखते हैं लेकिन अब इसमें बाकी चीज हम क्या कर रहे हैं जी के और ये वाला जो न्यू वर्कर हमने बनाया है इसमें ऑन मैसेज यानी जब ये ट्रिगर होगा तो उसमें गेट एलिमेंट बाई आई डी यही वाला हमारा जो आउटपुट वाले एलिमेंट है उसमें इनर एच एम एस नॉट सपोर्ट अच्छा नहीं ये इनर एच इवेंट ये वाला इवेंट डॉट डाटा तो उसमें जो भी डाटा है वो इसमें स्टोर हो जाएगा तो अभी हम इस फाइल को खोल के देखते हैं तो इस फाइल का पाथ का हमें कैसे पता लगेगा ये इसमें दो तरह के पाथ होते हैं एक एब्सोल्यूट पाथ होता है और एक रिलेटिव होता है एब्सोल्यूट में आपका ए टू जी फुल पाथ दिया जाता है तो उसको अगर वो पाथ दिया होता तो फिर उसको सिंपली हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर तो वो ओपन हो जाता है लेकिन ये रिलेटिव पाथ है यानी ये जो फाइल है इसी फोल्डर के अंदर पड़ी है हुई है तो इसमें पहले तो हम ये ऊपर पेस्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये आपका फोल्डर कहाँ था कि ये फाइल देखें ये वाली फाइल है आगे तो पैरामीटर है असल फाइल आपकी ये है तो इसको मैं यहाँ से बाकी इसका पार्ट जो है वो फाइल के नाम समेत वो ख़त्म करता हूँ और फिर यहाँ पे जो नाम है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये यानी एच के फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है डैमो वर्कर्स डॉट एस तो इसके कोड को हम थोड़ा सा फिर समझते हैं और बाकी हमें ये इसकी समझ आ जानी चाहिए पहले तो इसको हमने ऑलमोस्ट ये कवर कर लिया है अब हम देखते हैं कि अब ये जो वर्कर जो बना है इसका कोड इस पेज के हिसाब से इंडिपेंडेंट हो के चलेगा तो हम ये देखते हैं कैसे इसमें कोड में क्या है इसमें कोड में एक हमने वेरिएबल बनाया आई इक्वल टू इनिशियलाइज किया जीरो के साथ और इस फंक्शन को अभी हम देखते हैं ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा देखिए यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है और फंक्शन में हमने सबसे पहले जब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो आई एग्जीक्यूट आई प्लस वन आई के अंदर वन हो जाएगा अब ये पोस्ट मैसेज आई अब ये पोस्ट मैसेज इसको ट्रिगर करेगा ये ऑन मैसेज को यहाँ पे तो इसमें डाटा ये जो वैल्यू जा रही है ये वाली आई ये उस यहाँ पे एज अ डाटा यहाँ पे जा रही है इवेंट डाटा तो ये उसमें वन था तो वो वन यहाँ पे आ गया स्टोर हो गया पहले इसमें फिर देखते हैं फिर क्या करें ये जवा का का इन फंक्शन है टाइम आउट इसमें ये होता है कि आप यहाँ पे फ़ंक्शन का नाम आप लिख दें और साथ में टाइम बता दें तो ये उतने टाइम के बाद इस फंक्शन को कॉल करेगा तो ये यहाँ पे मिली सेकेंड है तो यहाँ पे 500 सौ ये मैं तकरीबन तो आधे सेकेंड के बाद ये इसी फंक्शन को कॉल करे यानी एक लिहाज़ से इसको हम रिकर्जन कहते हैं कि उसी फंक्शन के अंदर ही हम इसी फंक्शन को कॉल कर लें यानी फर्स्ट टाइम जब ये कॉल हुआ तो अगर ये लाइन नहीं होती तो ये बस रुक जाता फिर काम लेकिन इसी के अंदर ही हम इसको बता रहे हैं कि इसी फंक्शन को आपने कॉल करना है आधे सेकंड के बाद तभी ये काउंटर आपका देखें चलना शुरू हो जाता है स्टॉप तो फिर ये इसको कॉल करेगा तो आई की वैल्यू में जो भी लास्ट टाइम था जैसे कि वन था पहली दफ़ा तो वन प्लस वन ये टू हो जाएगा आई के अंदर फिर पोस्ट मैसेज किया तो ये टू की वैल्यू यहाँ पे इस इवेंट के अंदर इसके डाटा में आ गई और ये फिर यहाँ पे हमने यही काम किया हुआ है कि इसको शो कर रहे हैं तो इसका ऑलमोस्ट हमने ये और फिर ये टाइम आउट सेट हो जाएगा आधे सेकंड के बाद फिर वो कॉल होगा ये बड़ा हैंडी फंक्शन है डायनेमिक इस तरह की चीज़ें आप करना चाहते हैं तो ज़बरदस्त ये चीज़ है तो ये एक मेकनिज़म है कि आपका जो ये स्क्रिप्ट है ये एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है उससे आप किस तरह डाटा पीछे पास कर रहे हैं ये पोस्ट मैसेज ये भी बिल्ड इन फंक्शन है इसके ज़रिए और यहाँ पे ये आपके पास इवेंट है ऑन मैसेज और इसको हमने ये फंक्शन बता दिया जब भी मैसेज आएगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा तो आगे हम चलते हैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया है सपोर्ट चेक करनी है पहले वेब वर्कर हमने बनाया एक्सटर्नल फाइल है और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो पोस्ट मैसेज है और ये पोस्ट मैसेज वहाँ पे फिर ऑन मैसेज जो है इसको पता लगता है और इसमें जो भी हमने कोड लिखा है उसको डाटा मिलता है तो नॉर्मली वेब वर्कर्स नहीं इस्तेमाल किए जाते अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है जो कि सी पी यू इंटेंसिव वर्क कर रहा हो तो अगर ऐसा काम है तो फिर ये वेब सर्वर्स वेब वर्कर्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो क्रिएट करने के लिए ये आपके पास बिल्ड इन टाइप है उसको लिखा और आगे आपने स्क्रिप्ट का नाम दे दिया तो ये इसको एज अ वेब वर्कर इनिशिएट कर देगा और ऑन मैसेज इवेंट में हमने कॉल बैक फंक्शन ये साथ लिखा है ये तरीका होता है जब भी ये इवेंट ऑकर होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और टर्मिनेट करने के लिए हमने ये चीज़ नहीं देखी टर्मिनेट किस जगह किया है हाँ हमने ये क्योंकि स्टॉप बटन को देखा ही नहीं स्टॉप बटन उसमें डब्ल्यू डॉट टर्मिनेट और डब्ल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड खुद ही उसकी वैल्यू हमने अनडिफाइंड कर दी है

ये वाला स्क्रिप्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता यानी कि यहाँ पे हम ये चीज़ ये वाली लाइन नहीं लिख सकते थे गेट क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वहाँ पे होगा ही नहीं यहाँ पे आप ये लाइन नहीं लिख सकते थे ये वाली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी ये हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे कि ये ये आई की वैल्यू डायरेक्ट इसको असाइन कर दे यहाँ पर नहीं कर सकते तो इसीलिए फिर हमने ये पोस्ट मैसेज और ऑन मैसेज वाला मेकेजम यूज़ किया है यानी इनडायरेक्ट आप फिर कर सकते हैं क्योंकि यहीं से आप वैल्यूज़ पास कर दें और बाकी जो इंटरेक्शन वाला कोड है वो फिर ऑन मैसेज के कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिख दें तो मतलब इनडायरेक्ट आपकी काम हो जाता है तो आगे हम लास्ट चैप्टर पे आते हैं इसमें एच डी का जो हम कुछ महीनों से ये शुरू किया हुआ था और वीकली हमारा ये सेशन होता है तो ये फिर आलमोस्ट हमारा ये आज उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा पेज ये भी छोटा सा है उम्मीद है ये हो जाएगा बाकी ये एग्जांपल्स वगैरह ये ऑलमोस्ट हम इनके साथ साथ करते रहे कुछ चीज़ों का हमने रेफरेंस भी देखा है वैसे हम रेफरेंस जो है वो स्किप करते रहे क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो चीज़ों की डिटेल में आपको चाहिए होती है तो फिर हम रेफरेंस फाइल्स पर आके करते हैं एग्जाम्पल ऑलमोस्ट हमने ये फॉलो की है क्विज बीच में आए हैं वो भी करते रहे हैं तो एस एस ई सर्वर सेंड इवेंट अलाउज़ ए वेब पेज टू गेट अपडेट्स फ्रॉम ए सर्वर यानी पेज आपका लोड हो गया है और उसके बाद वो सर्वर के साथ बैकग्राउंड में ही कनेक्टिविटी करता है और वहाँ से सर्वर से डाटा आपका वो रीड करता है वैसे नॉर्मली तो जब पेज आपका लोड हो गया तो फिर आपको कुछ सर्वर से लेना है तो आप किसी बटन पे या लिंक पे क्लिक करते हैं वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है फिर वो डाटा आपको वापस एंड यूजर उसको मिल जाता है तो इसको हम देखते हैं ये किस तरह हम करते हैं सपोर्ट अगर हम देखें तो बाकियों में ऑलमोस्ट सपोर्ट है ये पता नहीं एज का गलबन वर्जन होगा और एज पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था फिर एज आया एज इन्होंने इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कोड एक बनाया उसके ऊपर इसको रखा लेकिन बाद में इसको उन्होंने जो गूगल क्रोम का जो बेस प्रोजेक्ट है क्रोमियम और बाद में एज उन्होंने उसके ऊपर ही शुरू कर दिया तो ये वर्जन देख के मुझे लग रहा है कि ये शायद जो क्रोमियम के ऊपर बेस्ड वर्जन है ये उसका वर्जन लिखा हुआ है तो इसमें हम देखते हैं किस तरह प्रोसेस ये होता है एग्जांपल हम देखेंगे तो इन ताला समझ आएगी और हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं हमारे पास हेडिंग है और एक डिव है और यहाँ पर रिजल्ट आईडी है इसकी अच्छा क्योंकि ये फंक्शन के अंदर कोड नहीं है, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा तो इसीलिए हम देखते हैं यानी पहले इस चीज को चेक किया है कि वो सपोर्ट आपका करता है कि नहीं ब्राउजर अगर सपोर्ट नहीं करता तो यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि वो सपोर्ट नहीं करता इवेंट सोर्स में डेमो एस एस ई अब देखें यहाँ पर टाइम उधर से लेके इधर ये शो कर रहा है तो इस फाइल को अभी हम, हम देख नहीं सकते क्योंकि ये सर्वर फाइल है ये अगर हम ओपन करेंगे भी तो ये ये क्या करेगा कि उसके जो आउटपुट है वो हमें दिखाएगा यानी उसका कोड नहीं दिखाएगा क्योंकि ये सर्वर फाइल है तो इसमें हम देखते हैं आउटपुट में ही देखें हमारे पास ये शायद अच्छा ये इसी तरह ही है डेटा और डाटा में और ये हमारे पास डाटा आ रहा है जी सही है और फिर अच्छा जिस तरह हमने वो वेब वर्कर्स बना रहे थे ऑलमोस्ट ये उससे मिलते जुलता ही लग रहा है उसमें ये था कि वो आपका जो वर्कर था वो फ़ाइल आपकी क्लाइंट साइट पे ही एग्जीक्यूट हो रही थी और लेकिन यहाँ पे ये यह है कि ये आपकी सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रही है तो ऑन मैसेज वही है कि जब वहाँ से डाटा आपको मिलेगा वो तब ये कॉल करेगा इसको जिस तरह वहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे थे पोस्ट मैसेज तो यहाँ पे कुछ और तरीका होगा मुझे नहीं पता इसमें अभी वो एक्सप्लेन करेंगे कोड में तो समझ आ जाएगी तो यहाँ पे वैसे ही मेकेनिजम किया है गेट एलिमेंट बाई आईडी और जो उसमें डाटा आ रहा है तो वो इसके साथ ऐड करते जा रहे हैं लेकिन अब यहाँ पे देखें यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि सिर्फ इक्वल नहीं है प्लस इक्वल है तो इसमें फ़र्क ये होता है कि प्लस इक्वल के साथ जब लिखा जाता है तो यानी कह रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल इक्वल टू ये वेरिएबल प्लस आगे दूसरा डाटा और डाटा में हम देख रहे हैं कि वो लाइन आ रही है ये वाली तो आखिर में बी आर डाला है इसका मतलब है कि नई लाइन नेक्स्ट पे ही आएगी जिस तरह यहाँ पे हम देखते हैं काफी सारा डाटा अब आ गया और आगे हम इसको एक्सप्लेन इसके करते हैं और सर्वर साइड पे यहाँ पे देखिए उन्होंने उसका कोड भी बताया हुआ है कि सिंपली वो ये एक् कर रहे हैं सर्वर लैंग्वेज कोई और भी हो सकती है पीएचपी के अलावा भी हो सकती है और यहाँ पे जो अहम चीज़ है यहाँ पे हेडर्स में बता रहे हैं कि ये कंटेंट टाइप कौन सी है सिंपल टेक्सचुअल है और इवेंट स्ट्रीम है और नो no कैशिंग कर रहा है और इस फॉर्मेट में ये आप डेट देखें पी में ले रहे हैं ये जो फॉर्मेट है मतलब लॉन्ग फॉर्मेट है और फिर इसको यहाँ पे एक् करवा रहे हैं सर्वर टाइम इज और ये इसके अंदर जो भी आ रहा है और ये बैक स्लैश एंड बैक दो लाइंस नीचे आ रही हैं जिस तरह यहाँ पे भी हमने देखा है इसका जब हमने सोर्स देखा है तो यहाँ पे ये तीन लाइन शो कर रहे हैं और फ्लश करने से ये होता है कि ये फिर आपका सारा डाटा जो भी है वो सेंड हो जाता है और ए में अगर आपने करना है तो वो इस तरह करेंगे लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमारा आगे ए के साथ ज़्यादा नहीं है कोई भी काम करने का तो पी एच पी के साथ ही है क्योंकि जो सर्वर लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसी पे ही काम करना वरना आप जनरल आप देखें तो ये समझ आपको आ ही जाएगा इतना मुश्किल भी नहीं है अच्छा इसमें अहम चीज़ ये है कि डाटा जो आपने सेंड करना है उसको लाजमी आपने ये इसके साथ स्टार्ट करना है इस मेकनिज़म को काम करने के लिए तो इसमें यह होगा कि में सर्वर से जब डाटा मिलेगा यानी ये हमारा पेज चेंज चेंज होता जा रहा है हाँ ये देखें पेज ये अभी तो ये मिली में ही चेंज हो रहा है सेकेंड से ही चेंज हो रहे हैं जी सेकेंड ही चेंज हो रहे हैं तो वो आपका मॉनिटर करता है सर्वर को और जहाँ पे जब उसको नया डाटा मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो ये वाला फंक्शन आपका कॉल हो रहा है ऑन मैसेज जैसे ही वो सर्वर पे इसको मॉनिटर कर रहा है उसका डाटा चेंज हो रहा है तो ये ऑन मैसेज इवेंट कॉल हो रहा है और ये देखें फिर हम इसमें डाटा यहाँ पे सेव करते जा रहे हैं ये ऑलमोस्ट कुछ कुछ केंड्स के बाद कॉल हो रहा है जैसे कि छब्बीस और तकरीबन चार चार सेकंड्स के बाद तकरीबन हम ऑन मैसेज है मेन हमने देखा हम इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन ओपन वैन ए कनेक्शन टू सर्विस ओपन इनिशियली हम कोई डाटा शो करना चाहते हैं जब ये कनेक्शन ओपन हो जाए तो आप इस इवेंट में जिस तरह हमने यहाँ पे ये चीज की है सोर्स डाट ऑन मैसेज आगे कॉल बैक फंक्शन लिख के हमने काम किया तो इस तरह का काम हम इसमें भी कर सकते हैं कि जब ये स्टार्ट हो ओपन हो तो फिर क्या करे और एरर आए तो फिर क्या करे तो ये चीज़ मेरे ख्याल हम यहाँ पे कर सकते हैं तो इसमें हम डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं इस चीज़ की क्योंकि लर्निंग भी फिर ऐसे ही होती है आप चीज़ें इस तरह की चीज़ें ट्राई करें ओपन ओपन तो ओपन में प्लस इक्वल टू नहीं लिखते सिंपल ये इक्वल टू लिखते हैं और डेटा तो खैर होगा लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मैं स्पेशल लिखूँ तो उसमें डिफरेंस वो पता चले नॉर्मल कॉल में और दूसरी कॉल में तो वो फिर हम ये कर सकते हैं कि इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ खुद से भी लिख देते हैं टैक्स तो वो टैक्स हम ये लिख देते हैं कि यही ऑन ओपन ही लिख देते हैं Open equal to. अब इसको रन करते हैं आ, इसका मतलब ये कि फिर इसमें डेटा इसमें नहीं आ रहा ये मतलब जनरल वैसे ही आपका काल हो रहा है जैसे इस केस में हमें वहां से ये इवेंट का ऑब्जेक्ट मिल रहा था तो इस केस में ये इस केस में इवेंट का ऑब्जेक्ट है ही नहीं या फिर हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें कुछ है या नहीं जावास्क्रिप्ट में एक सोल सोल डॉट लॉक का मेरे फंक्शन होता है ये है हम हम यूज करते हैं अगर कुछ आपने नीचे लॉग में एंट्री करनी है तो उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं कंसोल डॉट लॉग मैंने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए ओपन किया ताकि इसमें हमें फिर वो एग्जैक्ट पता लगे तो फिर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अब असल में मैं जो करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा था कि मुझे ये कंफर्म हो कि इसके अंदर कुछ इस इवेंट का जो ये पैरामीटर है इसके अंदर कुछ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है तो यहाँ से ये लॉग जब होगी तो इससे हमें कन्फर्म हो जाएगा तो यहाँ से ये चीज़ तो पता लग रही है कि यहाँ पर ये डाटा कम अज़ कम नहीं आ रहा है तो इसके मैं ये कंसोल साथ में ओपन करता हूँ इसको क्लियर करता हूँ ताकि अगर कुछ मैसेज आता है तो पता लगे तो यहाँ से ये चीज़ पता लग रही है कि एरर किसी चीज का एरर भी है चल हम इसमें भी बाकी ये ऑन एरर जो है इसको भी लिखते हैं देखते हैं जिस तरह हमने ये किया है काम ऑलमोस्ट ऑन ओपन और ऑन एरर इसको मैं भी हटा देता हूं इसको मैं भी कमेंट कर देता हूं और जिस तरह वहां पे हमने काम किया है कि ऑन ओपन लिखा है ऑन एरर लिखते हैं लेकिन अभी तो उम्मीद नहीं कि कोई एरर आए क्योंकि एरर तो, आ गया एर लेकिन कैसे आ गया फंक्शन शज इवेंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा वैसे मैं मतलब तो अज्यूम कर रहा हूं रन नेट भी चल रहा है पता नहीं किस चीज का ये एरर दे रहा है कि अपने ही सर्वर का लग रहा है बाजार दोबारा से लोड करता हूं पेज को और ऑन एरर को दोबारा से चेक करता हूं ᱫᱚᱱ ᱠᱟᱛᱟ ᱦᱩᱸ ᱟᱦᱟ ᱢᱟᱞᱟᱯᱚᱱ ᱮᱨᱚᱨ ᱵᱤᱯ ᱥᱟᱥᱟᱛ ᱠᱚᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱢᱟᱥᱟᱞᱞᱟ ᱥᱮ ᱦᱟ ᱤᱠ ᱪᱤᱥ ᱛᱚ ᱭᱟ ᱥᱟᱢᱡ ᱟᱨᱟ ᱨᱤᱭᱟ ᱠᱤ ᱭᱮ ᱟ ᱭᱮ ᱡᱚ ᱦᱮ ᱰᱮᱴᱟ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴ ᱰᱮᱴᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱤᱥᱢᱮ ᱱᱮᱦᱤ ᱟᱨᱤ ᱥᱟᱛ ᱠᱤ ᱤᱥᱞᱤ ᱵᱚ ᱟᱱᱰᱤᱯᱷᱟᱭᱱ ಡ್ ᱩᱥᱠᱚ ᱵᱟᱛᱟ ᱨᱟᱦᱟ में ऑन एरर भी कॉल हो रहा है बहरहाल फिर कोई एरर आ रहा है तभी मुझे समझ नहीं आ रही वैसे मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए आ, क्योंकि सिंपली ये इस फाइल को ट्रैक कर रहा है तो एरर्स पता नहीं किसी और चीज़ का फिर ये एरर है क्योंकि ये यहाँ पे जो नाम दे रहा है ये तो कुछ और ही फाइल ये कोई है तो तकरीबन हमारा ये एच टी एम एल का फिर ये पूरा हो गया है आगे ये एग्जांपल्स हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट साथ साथ इस ये पूरा ट्यूटोरियल की आप अगर वीडियोस देखें ना इसी चैनल पे हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं प्ले लिस्ट एक पड़ी हुई है फ्री वेब डेवलपमेंट के नाम से तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी ये सारे चैप्टर्स कवर हुए हैं और इसी के अंदर ही फिर आपके ये एग्जांपल्स भी कवर हुई हुई हैं और बीच में क्विजेज आते रहे हैं वो भी हम साथ फॉलो करते रहे हैं बाकी एक्सरसाइजेस ये अब साथ साथ करते रहे हैं बाकी सर्टिफिकेट्स तो हमने वैसे ये कि ये कि लोग सर्टिफिकेट भी आपको देते हैं अगर आप ये पास करते हैं तो उनकी फी है वो गलबन आप दें तो फिर मिल सकता है तो समरी में हमने बेसिक्स सीखी हैं है फिर बाकी कुछ मैंने इसमें सी एस एस भी सीखी है क्योंकि ना ना करते कुछ चीज़ें सी एस एस की इसमें आई हैं टॉपिक्स आए हैं जैसे अभी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कवर हुई हैं इसी तरह जावास्क्रिप्ट की भी कुछ कुछ चीज़ें बीच में आ गई हैं जैसे इस जगह पर तो ओवरऑल पेज का स्ट्रक्चर आप खड़ा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जिस तरह एक लेआउट का एक यहाँ पे चैप्टर था बहुत अहम था वो जिसमें डिव बेस्ड आपको लेआउट्स ये सिखाई गई थी और टाइम भी ऑलमोस्ट हमारा हो गया है इसके क्लोज करने का तो दस से बारह ये हमने सोचा हुआ था बाकी इसमें अगर आपको किसी भी वक्त इसमें कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं आपके अपना कोई प्रोजेक्ट है या आप अपने कंप्यूटर पे ये सेटअप कर रहे हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको नहीं समझ आ रही तो आप बिला सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं एच डी एम एल जावा स्क्रिप्ट एच डी एम एल सी एस एस जावा स्क्रप्ट ये तीन चीज़ें आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आपका जो ब्राउज़र है उसी के अंदर ही एग्जीक्यूट होती हैं ब्राउज़र ही इनको रेंडर करता है लेकिन ये है कि हम कोड एडिटिंग के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर कर लेते हैं कोई आई डी कर लेते हैं या कोड एडिटर कर लेते हैं मैं जैसे जो है वो यूज़ करता हूँ सब लाइन आप सर्च कर लें वो उसकी साइट से आप डाउनलोड कर लें वो विंडोज़ मैक और लिनक्स तीनों जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए वो दस्याब है आईडी भी आप कोई कर सकते हैं एच टी एम एल पी एच पी की जिसकी भी आप अगर करना चाहें और भी टूल्स कर सकते हैं और फिर जब पी एच पी आती है तो फिर हमें मज़ीद टूल्स की ज़रूरत पड़ती है आपको वेब सर्वर बनाना पड़ता है इस वजह से तो बस फिर इनशाला नेक्स्ट वीक हम ज्वाइन करेंगे तो मैं फिर इसको क्लोज करता हूं बहुत बहुत शुक्रिया जजाक असलाकुम